नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदा श्रील नारायण गोस्वामी इतना धूप है ना क्या महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं चथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण कंठ हरे कृष्ण। मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकटित हुए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले फिर भगवान जगत में क्यों जन्म लेते हैं? बोले भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए। भगवान जन्म हुए तभी तो कल हम लोग ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अगर भगवान जन्म नहीं होते फिर कल क्या हम उत्सव मनाते? फिर घर में बैठ कर टीवी देखते, इधर उधर की दुनियादारी की बात करते। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए ही जन्म लेता हूँ। और ऐसे नहीं अगर कोई बोले अरे हम भी जैसे जन्म लिए ठाकुर को तो ऐसे जन्म हो गए। नहीं, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। कल कथा सुन रहे थे जब ठाकुर जी जन्म हुए पहले चतुर्भुज धारण किए और सारे पूर्व जन्म की कथा सुनाए वसुदेव की। तुम कैसे पूर्व जन्म में कठोर तपस्या मेरी की, केवल पत्ते खा करके 10,000 साल तक जब मैंने प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो, बोले तुम्हारी जैसे हमें संतान चाहिए, बोले मैं ही तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जो जन्म और जो कर्म है, बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और कर्म है वो अप्राकृत और अलौकिक है। अगर ये रहस्य को कोई सही समझ जाए तो शरीर छोड़ने का बाद जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता है। अभी प्रश्न होता है भगवान तो अजन्मा है फिर जगत में क्यों जन्म हुए? इसलिए हमारे संत लोग इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए और आज आप लोगों को मैं 10 कारण बताऊंगा। कितना कारण बताऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। जो ये 10 कारण में 2-4 कारण जो बता देगा ठीक है, कम से कम जो बच्चे है लिखे बड़े हो सब ध्यान देकर सुनना ठीक है, बढ़िया से सुनना मन लगा कर। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन
बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसलिए इसी जगत में मैं अवतीर्ण होता हूँ, जब ये पृथ्वी को ऊपर, माताओं को ऊपर में, गैया को ऊपर में, धर्म में जब कोई अत्याचार होता है संत को ऊपर में, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के ये दुष्टों को विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ। आप लोग गिनते रहना, ये पहला कारण हो गया, ठीक है, गिनो मैं पूछूंगा फिर। इसका दूसरा कारण बोले, मैं भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए, जब जब कोई भक्तों को ऊपर में, जैसे प्रहलाद को ऊपर में जब विपत्ति पड़ी, मैं अवतीर्ण जगत में अवतीर्ण हुआ, जब मीरा को ऊपर में, कोई संत को ऊपर में कोई अत्याचार होता है, मैं भक्तों को रक्षा करने के लिए और भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए ही इस जगत में मैं आता हूँ। अभी श्रवण रहे थे जो प्रिश्नी और ये सुतपा, ये पूर्व जन्म में इन लोगों ने केवल सूखे पत्ते खा खा करके 10,000 साल तपस्या की भगवान विष्णु को। भगवान जब संतुष्ट हो गए, बोले बेटा वर मांगो, बोले आप जैसे हमें एक संतान चाहिए, बोले मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे मैं हूं, तुम्हारे प्रेम में भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ, अगली जीवन में ही मैं तेरा संतान बनकर आ जाऊंगा। वही फिर वसुदेव और ये देवकी बन करके आए, ठाकुर जी इनकी पुत्र रूप में आते हैं, कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण है, कहते द्रोण और धरा, ये भी दो राजा और रानी थे, ये ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या की। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु जैसे एक बालक माँ की पेट से जन्म लेता है, आ मेरे गर्भ से जन्म लेना, जैसे बच्चे कभी दुष्टामी करे हैं, कभी माता जी जैसे उनको शासन करती है, जैसे पलना में झुलाती है, गोद में उसको दूध पिलाती है, कहते मैं आप भी मेरे ऐसे बेटे बनकर के आना। भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हारी बेटा बनकर के आऊंगा। वही जसोदा और श्री नंद बनकर के आए और भगवान उनके घर में ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते हैं, कहते तीसरा कारण हो गया है। बोले चौथा कारण है, कल भगवान बामन देव आए थे, आप लोगों ने देखा कि नहीं, भगवान बामन देव, जब भगवान बामन देव बलि महाराज को घर में आए, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। कहते माताओं का एक स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे ना, उसको गोद में लेने की इच्छा करता है, उसको प्यार करने की इच्छा करती है। अभी भगवान तो बड़े सुंदर थे, अभी रत्नमाला की मन में इच्छा हुई, अगर ठाकुर जी मेरे बच्चे बन करके आते तो मैं दिन रात ठाकुर जी को गोद में लेकर के मैं लाड लड़ाती। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब ठाकुर जी एक पग में भूर भुग मोह जन तप और सत्यलोक को नाप लिया और ठाकुर जी के चरण कहाँ पहुंच गया, ब्रह्मलोक में, इतने में ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरण को उन्होंने अभिषेक की और वह चरणामृत को उन्होंने कमंडल में रखा, वही चरण वही गंगा पानी ही गंगा रूप में प्रकट हुए। बोले श्री गंगा महारानी की जय। कहते ये हो गया चौथा कारण है। नहीं, उसी समय में जब ठाकुर जी दूसरे पग में अतल बीतल तलातल पाताल लोगों को नाप लिया, बोले बलि बताओ तीसरे पग कहाँ पर रखूं, पहले तो बड़ा डीग झांक रहा था, इतने दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, अभी तो मैं दो पग में सब कुछ ले लिया, बताओ तीसरे पग कहाँ पर रखूं। तब उन्होंने वरुण पास में उन्होंने बांध दिया बलि महाराज को, उनको बेटी देखा तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सबके सब हड़प लिया और फिर मेरे पिता को वरुणों पास में बांध दिए। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। अभी पुतना मासी बन करके आएगा, अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे पुतना कैसे आती है, ठीक है। कहते कितना कारण हो गया, कोई गिन नहीं रहे, पांचवा कारण हो गया। इसलिए उसको आगे कारण कहते हैं, है? उसका आगे कारण बताते हैं। भगवान जिस समय
हैं, जिस समय भगवान दंडकारण्य में गए ठाकुर जी, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे, लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही थी। जब राम को देखे ना, वही राम ही श्याम, श्याम ही राम है। अभी राम को देख करके उनकी श्याम की याद आई, तब जितने ऋषि मुनियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप हमें पति रूप में मिले, पति रूप में स्वीकार करो हमें, पत्नी रूप में। बोले रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आई हो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को मैं पूरी करूंगी। वही सबके सब गोपी फिर बन करके आते हैं। जब भगवान राम वनवास गए थे, रामायण देखे होंगे, देखे कि नहीं, अभी सुपर्णखा प्रभु राम को देख करके मुग्ध हो गई, बड़ी सुंदरी बन करके आई। सुपर्णखा बोली मैं जितने सुंदरी हूँ ठाकुर तुम्हें भी बड़े सुंदर बनाया, हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी है, हमसे शादी कर लो। भगवान बोले ऑलरेडी मेरी सीता है। बोले इसकी शरीर में क्या रखा हुआ, हड्डी हड्डी, देखो मैं कितने सुंदरी हूँ। भगवान राम बोले देखो मैं तो दूसरे शादी कर ही नहीं सकता। लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, लक्ष्मण आया, बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले ये तो बड़े सुंदर है, इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन मना कर सकता है, एक बार पूछ करके देख ले। लक्ष्मण के पास में गए, बोले मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण बोले मेरे देखा तू भैया से कुछ प्रार्थना कर रही थी। बोले वो मेरे प्रेम को समझा नहीं, तू मेरे प्रेम को समझोगे। बोले देखो ये बताओ तुम रानी बनना चाहते हो ना दासी? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूं, अगर मेरे से शादी करोगे फिर तो तुम सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहां रानी बनने की स्वप्न देख रही हो, जाओ प्रभु राम के पास में जाओ। फिर वो राम के पास में गई, फिर राम ने स्वीकार नहीं किया, सुपर्ण कहा तो अपना स्वरूप में आ गई। बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं साधारण कोई व्यक्ति नहीं, मैं रावण की मैं बहनी हूं, इसलिए अभी ये सीता जितने गड़बड़ी कर रही है इसको ही मैं जिंदा जिंदा खा लेती हूँ, फिर तो शादी करोगे। इतने में प्रभु राम लक्ष्मण का आदेश दिया, लक्ष्मण ने सुपर्ण कहा कि नाक को काट दिए। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बीच में बैठ कर कोई बात मत करे, हरे कृष्ण माताएं, मैं पहले बताया था ना, तभी कथा सुनने बैठो जब दूसरों को जानते हो मत बैठा करो पास में, उसको थोड़ी सी अलग हो गया, ठीक है? जिसको जानते हो उस साथ में मत बैठा करो, थोड़ी उसमें अलग हो कर हट कर बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कहते वही सुपर्णखा फिर क्या बन करके आई, कृष्ण लीला में ये फिर कुब्जा बन करके आए। ठाकुर जी कुब्जा की इच्छा को ठाकुर जी पूरी किए हैं। देखो ये कृष्ण को देखो, जो कृष्ण है ठाकुर है ना, अच्छे तरह से समझो। हमारे जो कन्हैया बांके बिहारी बड़े दयालु है, भगवान किसी को छोड़े नहीं, जिसको बामन देव भी स्वीकार नहीं किए, जिसको भगवान राम भी स्वीकार नहीं किए, जिसको कोई नहीं स्वीकार किया ना, हमारे बांके बिहारी स्वीकार कर लिया। बांके बिहारी कहते हैं कृष्ण तुम किसी रूप में भी मेरे पास में तुम आ जा, एक बार तू मेरे को बोल दे मैं तेरा हूं और तू मेरे हो, पास तेरे को मैं स्वीकार कर लूंगा। कुबड़ी हो राक्षसी हो ठाकुर जी किसको छोड़े नहीं, इसलिए कन्हैया बड़े दयालु है। बोले श्री बांके बिहारी की जय। कहते ये भी एक कारण है। बोले और कारण बताए। बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे धनुष यज्ञ में, इतने में राम लक्ष्मण बोले गुरु जी अगर आपका आदेश हो थोड़ा ही जनकपुरी घूम करके आ जाए, दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे करके आ। अभी राम लक्ष्मण जिस गली में जाए बड़े सुंदर है, हैं एक श्याम रंग के और एक गौरव रंग के, एक पीताम्बर पहने और एक नीलाम्बर पहने, जैसे मतवाला हाथी, दोनों बड़े सुंदर है। जिस गली में जाए बोले श्री राम लक्ष्मण की, जिस गली में जाए उसी गली में उनकी जय जयकार। और जितने सबके सब वहां के कुमारी किशोरियां सबके सब प्रभु राम को दर्शन करने आ रहे थे, कोई झरोखे से दर्शन कर रहे थे,
कोई छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे। अभी जो झरोखों से दर्शन कर रहे थे प्रभु का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में थी ना उनको दर्शन नहीं हो रहा था। क्यों? भगवान राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी नजर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी वो नहीं देखते थे, हर समय सर को नीचे करके चलते थे। इसलिए जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी उनको दर्शन नहीं हो पा रहा था। इतने में जो ऊपर खड़ी थी ना वो थोड़ी सी प्रखास से बोले, हो सकता है प्रभु राम ऊपर थोड़ा देखेंगे तो दर्शन होगा, लेकिन प्रभु सर ऊपर उठाने वाले है नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, बोले ये लक्ष्मण कौन? बोले गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है, हैं? इतने में लक्ष्मण जी प्रार्थना किए, बोले ठाकुर जी देखो छत के ऊपर में तुम्हारी भक्त लोग खड़े हैं, आपको दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दर्शन दे दो। लक्ष्मण बोले सावधान, राम बोले सावधान, ये मायापुरी सीता की बुरी मायापुरी, कहीं फंस जाओगे, इधर उधर मत देखा करो, सीधा सीधा मुंह को करके चलो। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, इतने में फिर जो सखियां थी वही बड़ी जोर से थोड़ा खांसी, बोले और थोड़ा प्रभु से आप देखेंगे, लेकिन प्रभु तो देखने वाले ही नहीं है। इतने में लक्ष्मण फिर प्रार्थना किया, प्रभु जी थोड़ा दर्शन दो ना, अभी गुरु जी जो बोलेगा ठाकुर को तो सुनना पड़ता है, अभी गुरु की बात को रक्षा करने के लिए। इतने में भगवान राम ने थोड़ी सी ऊपर से देखे, हे ठाकुर जी इतने सुंदर थे, जब एक बार प्रभु का दर्शन किया ना, वहां पर जितने सब किशोरिया थी सब के सब वहां बेहोश हो गए। जब इनकी होश आई, इतने में प्रभु राम को पीछे बढ़ गए, बोले प्रभु हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण देख लिया, पहले मना कर रहा था ऊपर मत देखा करो, अभी देखो तुम्हारे से पीछे पड़ गए शादी के लिए, तू शादी कर ले। इतने में भगवान राम बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये रामावतार में तो तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तुम सबको स्वीकार करोगे, तुमके सब कृष्ण अवतार में गोपी बन करके आए। इसलिए वृंदावन में जितने गोपियां हैं ना, ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई लड़की नहीं, ये सब के सब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कठोर तपस्या करके सब के सब द्वापर में ये गोपी बन करके आते हैं, और भगवान ये सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके कैसे ये गोकुल में कैसे जन्म लेते हैं, आज के आज हम ये कथा श्रवण करेंगे। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान से सुनो बच्चों, इधर इधर देखो सबके सब बच्चों जो पीछे बैठे हो, जिनका स्मार्टफोन ले लिया ना, अभी तुम लोग बच्चे हो, इधर इस तरफ में कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, इसको सुनोगे तुम्हारे कल्याण होगा। ठीक है अच्छे तरह से सुनो, ध्यान दे करके बच्चे सबके साथ। इसलिए अभी कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके आते हैं, कहते जो नंदक जी के जो पिताजी थे उनका नाम था परिजन बाबा, इनके थे पांच बच्चे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। पहले ये नियम था, अब लोग रामायण देखे होंगे सब देखे होंगे, पहले ये नियम होता था, क्या नियम है, कहते चार ही वर्ण और चार ही आश्रम, हमारे भगवान ने हमारे कल्याण के लिए चार ही वर्ण चार ही आश्रम सृष्टि किया। बोले चार ही आश्रम किया है, बोले पहले ये नियम होता था सबके सब गुरु गृह में पढ़ने के लिए जाते थे, जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते ना कि स्कूल, इसलिए जैसे 25 साल तक पहले सबके सब गुरु गृह में पढ़ने गए। रामायण देखे होंगे भगवान स्वयं राम लक्ष्मण भी वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। कृष्ण लीला देखना, कृष्ण बलराम भी गुरु गृह में शांतिपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए। इसलिए अभी अभी 25 साल के लिए जाते थे सबके सब पढ़ाई, 25 साल जब पढ़ लिख लेते थे तब गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटा क्या करोगे, बोलो, घर गृहस्थी करना ना संत बनना। अभी जो गीता भागवत रामायण पढ़ करके जिसको ये ज्ञान होता था
ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख जन्म के बाद में ये जीवन मिला है। भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, क्योंकि इसी मानव शरीर में प्रभु की भजन होगा, और किसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं होता है। ये चीज को जो समझ लेता था, कहता था गुरुजी अभी हम घर में वापस जाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपकी चरण की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए ये संसार से पार हो जाना चाहते। वो सबके सब गुरु गृह में ही रुक जाते थे। लेकिन जो बच्चे बगैर शादी के रह नहीं सकते हैं, बोलते थे देखो बच्चों जाओ अपना घर में जाना, लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, शादी करना कैसे, पिता माता जहां पर शादी कराएंगे वहीं पर जाकर के अपना वर्ण आश्रम का अनुरूप शादी करना। आप लोग जितने सब शादी किए हो, आप लोग शादी किए, कौन कौन शादी किए हाथ उठाओ, सबके सब शादी किए। एक चीज को समझो, जब आपने शादी की कभी तुमने पति को देखने के लिए गया था शादी से पहले, नहीं गए। पति तुमने देखने आया था, नहीं आया था। इसलिए देखना आपको शादी पूरा टिक गई, पूरा शादी टिक गई। लेकिन अभी जो लोग नहीं, फोटो दिखाने पर काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं काली को गोरी नहीं बना दिया तो कितने फुट ऊंचाई है, कितने पढ़ाई लिखाई, पता नहीं क्या क्या नखड़े करके शादी कर, तभी शादी नहीं टिकती। शादी तभी शादी नहीं टिक रही, क्योंकि हमारे जो वैदिक कल्चर है ये जैसे पहले था ना यही से ही था। घर में थोड़ी सी इधर उधर होता था मना करके चल लेते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं। जितने ज्यादा लिखी पढ़ी उल्टा सब, थोड़ी सी अगर कुछ हो गया ना तू जा मैं भी जा रहा। भारत में भी 30-40% अभी डाइवोर्स होना शुरू हो गया भारत में। इसलिए यहाँ पर गुरुजी कहते थे मनमानी ढंग से शादी नहीं करना, जैसे तुम्हारी वर्ण आश्रम के अनुरूप पिता माता जहां तुम्हारी शादी कराएंगे वहीं पर जा करके शादी करियो, और दोनों मिल करके धर्म को साथ में दोनों रहना, और दोनों ठाकुर को सेवा करते हुए जीवन बिताना। लेकिन कितने साल तक, बोले 50 साल तक। कितने साल तक, 50, उसके बाद में नहीं। भागवत निर्देश देता है 50 ऊर्ध्वे वनं व्रजे, 50 साल के बाद में वन में जाओ भजन करने के लिए। देखो इसको इसमें अंक क्या आता है, देखो एका वन, 50 के बाद में कौन सा अंक आता है, एका वन घर में नहीं वृंदावन, बावन चौवन, ये वन वन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं। ये भागवत निर्देश देता है 50 साल तक ही घर गृहस्थी है। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में जान बुझ करके टांग अड़ा करके मत रहा करो, फिर बहू आएगा तो सिर्फ चाबी काठी को लेकर लड़ाई होगी बहू सास में। इसलिए सास बहू में लड़ाई होने से पहले कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, और जिसके लिए भगवान ये मानव शरीर दिया है ये जीवन को जा करके सार्थक करो, और भगवान की गीता भागवत सत्संग करते हुए ये जीवन को धन्य बनाओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए आप भी रामायण देखे होंगे, रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण टीवी में देखे हो, आप देखे होंगे। जब एक दिन दशरथ महाराज ने अपना सूरत को उन्होंने इसमें देखा, सीसा में दो एक बाल पक गया है, उन्होंने वशिष्ठ के पास में गए, बोले गुरु जी ये बाल पक गया है, मतलब ये बाल पकना मतलब क्या, ऊपर जाने का समय आ गया, लेकिन मैंने अभी प्रभु का भजन नहीं किया, अभी हम चाहते हैं हम पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ में जाए, संतों की शरण में रह करके भजन करें। फिर तो जब उत्तर रामायण उसका आगे हुआ आप सब पता है। इसलिए नियम पहले ये था 50 साल के बाद में कोई भी घर में नहीं रहते थे, सबके सब जिसके लिए प्रभु ने ये जीवन दिया है भजन के लिए भगवान ने दिया, ये मुक्ति की द्वार है, जा करके जंगल में पति पत्नी दोनों गुरु जी के आश्रम में रहते हुए सत्संग भजन करते हुए जीवन को बिताया करते थे। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर घर में नहीं जा पाए ऐसे कोई स्थिति नहीं बनी, लेकिन कम से कम घर में बैठ कर तो माला जमा करो ना, दिन भर बैठ करके बेटी बहू की बात टीवी में सामने दिन भर इधर उधर की बात करोगे, ठीक है ना, क्या करो बच्चा कुचा समय को इधर उधर मत मत बर्बाद मत करो, भगवान की भजन करो, भगवान की
भक्ति करो, ठीक है ना। इसलिए ये परिजन्य बाबा जब इनका उम्र 50 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, एक दिन उन्होंने 5 बच्चों को उन्हें बुलाया, बोले देखो बच्चों अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, शादी हो गई, मैं चाहता हूँ हम दोनों पति पत्नी हम जा करके जंगल में वानप्रस्थ को ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी अब जाओ, भगवान की भक्ति करने के लिए हम सबके सो हो ना हो गए हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो। इतने में सबसे बड़े बेटे को उन्होंने राज्याभिषेक करना चाह रहे थे, लेकिन ये बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का गुण मेरे में नहीं है। ये जो मझला बेटा कौन, श्री नंद बाबा, इनकी अंदर में राजा बनने का योग्य इनके अंदर है, क्योंकि राजा वही बन सकता है जो प्रजाओं को अपना पुत्र बत देखे। ऐसा नहीं जब तक गद्दी में बैठे तब तक लूटते रहे, जितने लूट सके लूटे, जनता को लूटे, कहते भैया ये राजा बनने का लायक ही सब है नहीं है। इसलिए बोले श्री नंद बाबा को ही आप राज सिंहासन पर बैठाओ। बैठा करके फिर उन्होंने नंद बाबा को बैठा करके उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। अब इनके 5 बच्चों में 4 ही बच्चों में तो संतान है, लेकिन श्री नंद बाबा का पास में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी है। अभी आगे कैसे संसार चलेगी, आगे पीढ़ी कैसे चलेगी, क्योंकि राजा तो बेटा बच्चा तो राजा बनेगा ना, बच्चा तो है ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, कुछ संतों भ्रमण करते करते गोकुल में आए और नंद बाबा को, नंद बाबा ने बड़ी संतों की सेवा की। तब संतन ने कहा देखो नंद बाबा जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकीरी, लकड़ी मतलब भाग्य है, तुम्हारे भाग्य में अगर नहीं, अगर कोई संतों की कृपा हो जाए ना वो असंभव भी संभव हो जाता है, संतों सेवा में इतने कृपा है। नंद बाबा बोले भैया गंगा जब बहते बहते घर को सामने आ गई फिर इसमें गोता क्यों नहीं लगा लेते, बोले जब कृपा करके आए हो कुछ दिन यहाँ पर रुको और हमारी सेवा को ग्रहण करो, यहाँ पर रोटी पानी की कोई कमी नहीं, बैठो खूब भगवान की भजन करो। अभी संत लोग खूब भजन कर रहे थे, अभी संतों को पता चला नंद बाबा के घर में कोई संतान है ही नहीं, इसलिए सोच रहे हमारे घर में किसी संतान की जन्म हो। अभी आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं, इतना दिन से इनकी रोटी पानी हमने खाई है लेकिन अभी तक भी संतान नहीं हुआ, मन में इच्छा घर में बेटा जन्म हो। एक दिन आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, कोई ब्रजवासी आकर के देख करके गया, वो बात में आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं नंद के छोरा कब होएगो, नंद के लाला कब होएगो, बात कर रहे। उसने जाकर के नंद बाबा को बोले, बोले बाबा मैंने संतों को दर्शन करने गया था, देखा संत लोग तो माला जपते जपते यही सोच रहे थे नंद के लाला कब होगा, नंद के छुरा कब होगा। बोले तुमने सुना है, बोले अभी तो सुन करके आ रहे हो। बोले भैया संत जब वो बोलते हैं मेरे घर में छुरा कब होगा, लाला कब होगा, जरूर मेरे घर में लाला होगा, क्योंकि संतों का आशीर्वाद कभी बर्बाद नहीं जाएगा। भैया संतों को बढ़िया खूब इनकी भोजन करवाओ, इनकी खूब इनकी सेवा कराओ। सचमुच से मैया जसोदा की जो उम्र होता है संतान देने की, समय बीत चुकी थी। एक दिन एकादशी का व्रत आया, हाँ सब ध्यान देखे सुनो, जो एकादशी व्रत है ना ये परसु है, ये भागवत में एकादशी है। अगर ये भागवत कथा में बीच में अगर कोई एकादशी व्रत आ जाए ना बहुत उसकी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि श्रीमद भागवत में ही एकादशी की महिमा आई है। अगर बीच में एकादशी आए तो समझो 4 चांद उसमें लग गई, इसलिए आप लोग जोर से ताली बजाओ, आपकी कथा में एकादशी बीच में आने वाली है और एकादशी आपकी परसों की एकादशी व्रत आने वाली है। इसलिए जो एकादशी जो व्रत है ना, हाँ आज आपको थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो एकादशी की क्या महिमा है। ये जो एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब होता है जैसे कल्प वृक्षों पर नीचे बैठी करके जो मांगो वो कल्प वृक्ष वही देता है। ये जो एकादशी व्रत है, आप कभी आपको घर में कभी एकादशी पुस्तक होगा कभी पढ़ लेना, एक एकादशी का नाम है पुत्रदा।
बोले जिनकी घर में संतान नहीं है, पुत्र संतान नहीं, अगर ये पुत्रदा एकादशी को करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए उसका नाम पुत्रदा। नंद बाबा ने ये पुत्रदा एकादशी व्रत उन्होंने की थी। जब पुत्रदा एकादशी व्रत उन्होंने की, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने स्वप्न देखा। देखो ये स्वप्न क्या है, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयाम लोक्यते। ये स्वप्न देखा, जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखो अगर सही होता है, दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, स्वप्न नहीं लगा सचमुच कोई सही है। जसोदा बोले मैंने भी स्वप्न देखे, आप बताओ आप क्या देखे हो। बोले मैंने देखा है तुम्हारी गोद में बड़ा सुंदर एक बालक तुम्हारी स्तन पान करते समय ये दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता बिक रहा था, मेरे को स्वप्न लगा सचमुच तेरी गोद में एक बच्चा है। जसोदा बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बोलो। बोले मैंने भी देखा एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है और मेरे कापड़ों को पकड़ कर खींच रहा था। बोले मेरे को गोद में लेकर के मेरे को दूध पिला दे। और उसी रात में ही मैया जसोदा गर्भधारण की, फिर कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए एक एकादशी का नाम है पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जो पुत्र को दान देती है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर जिनकी घर में पैसा की कमी, लक्ष्मी की कमी, कहते वो इंदिरा एकादशी व्रत रखो, कहते तुमको घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब होता है ये जीवन में दुख कष्ट क्यों मिलता है, ये पूर्व जन्म का पाप का फल ही ये दुख कष्ट है। अगर वो एकादशी को कोई करे, जितने तुम्हारी जीवन का पाप है समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाए। कल मैं सुना रहा था ना, जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारी घर में सालों साल तक पड़ा हुआ, अंतिम समय में उसका प्राण नहीं जा रहा है, बड़े दुख कष्ट भोग कर रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ इनकी सदगति कैसे होगा देख लेना, क्या बोलेगा वो। कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, और कोई बार व्रत वो नहीं बताएगा। एकादशी की इतने महिमा है, बड़े से बड़े पाप भी ये एकादशी व्रत से नष्ट हो जाती है। कल मैंने कथा सुना रहा था ना इनके घर में, मैंने विदेश से प्रचार करने जाता हूँ, मैं जब यूरोप गया था प्रचार करने के लिए, एक वो इंडिया में है, वो 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया था, बड़ा दुख कष्ट पा रहा था, पैसा पानी जैसे बह रहा था लेकिन प्राणी नहीं जाए। उनको जब पता चला भारत से कोई संत आए हैं, तब उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में बुला करके ले गए। बोले बाबा पिताजी की अवस्था बड़ा बुरा अवस्था है, 2 साल से पड़े हुए प्राण नहीं जा रहा है, उनको गला में ये प्राण अटका हुआ है, हैं? लगता है कोई पाप कर्म से, आप बताओ इनकी सदगति कैसे होगी। मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग सबके सब मिल करके एकादशी व्रत करके फल दो। बोला अभी एकादशी 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़े कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा तुम लोग संकल्प करो पूरा परिवार मिल करके एकादशी व्रत रखेंगे, इनको देंगे। सबका हाथ में पानी दिया, फूल दिया, मंत्र पढ़ा, संकल्प करो सबके सब एकादशी व्रत करना और इनको देना, और उसी दिन थोड़ा हरिनाम ज्यादा करना। मैंने संकल्प करा के जब वहां से अपने जहां रुका हुआ था घर में आया ना, उनको फोन आया, पिताजी की सदगति हो गई, पिताजी की शरीर छूट गई, वो आते ही फोन आई उनकी। इसलिए आप लोग स्वयं देखना, बड़े से बड़े पाप भी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाती है, इतने महिमा ये एकादशी व्रत की। एक एकादशी का नाम विजया। विजया मतलब वो एकादशी व्रत अगर कोई करेगा ना, कभी तुम्हारी परास्त कहीं नहीं होगी, जिस काम के लिए आप जाओगे वो काम जरूर सक्सेसफुल होगा, इसलिए उसका नाम है विजया। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जो एकादशी करने से जीव भव सागर से उसकी मुक्ति मिली जाती है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी। अब देखना, पढ़ करके देखना, हर एकादशी की अलग 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 उसका नाम है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत करके आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सबके से जो परसु भागवत में जो एकादशी है ना, जरूर एकादशी व्रत को जरूर रखा करना। परसु से उठाना, पहले कोई कोई करते थे, कौन करते पहले हाथ उठा, पहले जो रखते थे,
इसको बाद में अब सबके सब करना शुरू कर देना, ठीक है ना। सबके सब एकादशी व्रत करना शुरू करना नियम है। ये एकादशी व्रत को शास्त्र में बताया अष्टा वर्षाधिकपुता आसिति सिति वत्सर। बोले कितने साल से कितने साल तक करनी चाहिए? बोले 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत को जरूर रखनी चाहिए। उसको पहले अगर नहीं कर तो कोई पाप नहीं लगेगा, उसको बाद में भी नहीं कर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन इसको बीच में एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं, कहते अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृमातृ हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करके रहते हैं, इसलिए एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं उनको सारे पाप भोगना, उसको सारे पाप भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई कोई व्रत रखते होंगे ना, अगर ये व्रत को नहीं रखोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखोगे, शास्त्र कहता है तुम्हारी हानि, ये पाप लगेगा तुमको। इसलिए एकादशी व्रत को कंपल्सरी बताया, ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए एकादशी व्रत को, ठीक है ना। इसलिए अब सबके सब ये एकादशी व्रत रखना। लेकिन कुछ लोगों के मन में शंका, बोले क्या शंका? बोले एकादशी तो ये विधवाएं रखती, ये सधवा नहीं रखती। नहीं, आप भागवत पढ़ करके देखो, क्या मैया जसोदा विधवा थी क्या? अभी एकादशी मैया जसोदा एकादशी व्रत रखी है, भागवत कथा आती है। जब नंद बाबा जल्दी जल्दी उन्होंने एकदम सवेरे सवेरे नहाने के लिए गए थे, हैं, उसी समय वरुण लोक में उनको पकड़ करके ले गए थे, भागवत में कथा आती। जिसको अम्बरीश महाराज अपना पति पत्नी को साथ में ये मथुरा में एकादशी व्रत रखते थे, जिसमें ये दुर्वासा ऋषि आए। सबसे बड़ी एकादशी आपको पता है सबसे बड़ी एकादशी कौन सा? ये पांडवा निर्जला सबसे बड़ी एकादशी, जिसको पंच पांडव, जिसको द्रौपदी को साथ में वो एकादशी व्रत रखते थे, ये सबसे बड़ी एकादशी है, हैं? इसलिए कहते जो रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण की पटरानी कैसे बने, ठाकुर को अपना कृष्ण को पति रूप में कैसे प्राप्त किया, वो एकादशी व्रत रखती थी। इसलिए कृष्ण जिनकी पति बने, यहाँ पर कहते हैं एकादशी व्रत की इतने महिमा, अगर एकादशी व्रत रखोगे ना अगली जीवन में कृष्ण ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। कितना ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। अब तक कौन श्याम सुंदर का दुल्हन बनना चाहते, बोलो कौन दुल्हन? क्योंकि एक बार श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया ना, जन्म मृत्यु खत्म तुम्हारी, चिरकाल के लिए उनको पास में रहोगे। इसलिए यहाँ पर कहते जो एकादशी व्रत रखेगा ना कृष्ण, उसको अगली जीवन में पति रूप में कृष्ण मिलेंगे उसको, इतने महिमा ये एकादशी व्रत की। और कुछ कुछ लोगों को शंका है, बोले एकादशी का फिर उद्यापना करना पड़ता है? नहीं, हमारी वैष्णव जगत में कोई उद्यापना का कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं उद्यापना करने का। जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक एकादशी व्रत को रखो, जब समर्थ नहीं है, अगर किसी कारण से नहीं रख पाए तो उसमें कोई पाप नहीं, इसमें हम वैष्णव जगत में उद्यापना का कोई बात ही नहीं। इसलिए आप लोग जरूर ये एकादशी व्रत को जरूर रखा करना, ठीक है। बोले श्री एकादशी व्रत की जय, जय श्री राम। अभी ये पुत्रदा एकादशी आई तो नंद यशोदा ने जब ये पुत्रदा एकादशी व्रत को रखे, कृष्ण स्वयं इनके गर्भ में भगवान कृष्ण आए। जब कृष्ण आए, अभी श्री नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, क्या नाम था? देखा भाभी गर्भवती, इतने में वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी थी, क्यों? भैया का संतान होने वाले भाभी की, मेरे को नवलाह की हार मिलेगी, इसलिए 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई और सारे घर का काम काज जो कर रही थी, हैं? लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आज रात को संतान की जन्म हो जाएगी। अभी मैया जसोदा की गर्भ में जो बच्चे आए उनके अलग अलग सब लक्षण देखने को मिला।
एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले मैया तुम जब कुंवारी अवस्था में तुम कोई जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तुम्हारे पेट में दो बच्चे होने वाले, क्यों? कृष्ण और जोगमया थे। एक गोपी बोली लगता है तुम्हारे पेट में बेटा होगा। बोले पता कैसे चला? बोले तुम्हारे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे घर में बेटा होने वाले हैं। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। जब गर्भ में बच्चे हो माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। बड़ी सुंदर उनने खीर बनाई, खीर बनवा करके भगवान को भोग लगाई, सालग्राम को, मैया जशोदा को पिलाए। हाँ देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, एक संस्कार है जिसको कहते गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब होता है अगर तुम्हारी पेट में बच्चे है उसी समय में, अब रामायण सुनो भागवत सुनो, अगर गीता पढ़ोगे ना आप, जो जो करोगे बच्चे के ऊपर में वही वही प्रभाव पड़ेगा, वही वही प्रभाव पड़ेगा। बहुत बड़ी ये संस्कार है। आप लोगों ने महाभारत देखे होंगे, जब ये महाभारत युद्ध होने जा रहा था, जब युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह की रचना की, लेकिन ये चक्र व्यूह भेद करना एक अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानता था। अभिमन्यु ने कहा मैं करूंगा। बोले कैसे, तेरे को कैसे पता चला? बोले जब मेरे माँ और पिताजी एक साथ में सो रहे थे, अर्जुन और सुभद्रा, एक दिन मेरे माँ सुभद्रा मेरे पिताजी को पूछा, बोले ये चक्र व्यूह क्या होता है? तब अर्जुन ने सुभद्रा जी को ये चक्र व्यूह भेद कैसे करते सुनाए, लेकिन करते करते सो गई सुभद्रा। अर्जुन फिर कैसे वापस आएगा, बोल नहीं पाए। ये कौन कह रहा है? अभिमन्यु कह रहा है। इसलिए मैं माँ के पेट में रहते समय मैंने सुन लिया। प्रहलाद महाराज जब बच्चों को बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बताई, बच्चों ने पूछा तेरे को इस बात कहाँ से आ मिला, क्योंकि हमारी गुरु जी तो इस बात बताए नहीं। प्रहलाद क्या बोले, जब मैं माँ के पेट में था उसी समय में नारद जी मेरे माता को लेकर के आश्रम गए थे, और वहीं पर उन्होंने मेरे मैया को लक्ष्य करते हुए कथा सुनाई। माँ के पेट में बैठ बैठ कर मैंने सारे ज्ञान की आहरण कर लिया। रामायण देखे होंगे, देखे हो रामायण? कौन कौन देखे रामायण? जब सीता माँ गर्भवती थी, अब रामायण देख लव कुछ देखे होंगे। एक समय अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए हैं, बड़े बड़े संत लोग आए हैं, वहां पर सत्संग हुई है। इसलिए भगवान राम बोले सीते देखो कितने सुंदर सुजोग आया है, भारत के बड़े बड़े संत लोग आए हैं, अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय में अगर तुम कथा सुनोगे संतों की, बच्चे बड़े ज्ञानी होंगे। वही हुए, कौन हुए? लव और कुश हुए। देखे कि नहीं लव कुश को, क्या बलवान बने, क्या ज्ञानी, राम दरबार में राम कथा सुना रहे थे प्रभु राम को। कैसे पेट में रहते हुए अगर हमने उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर देखोगे, हैं उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज देखोगे ना, देखना फिर बच्चा गुंडा बनकर आएगा, डाकू बनकर आएगा। इसलिए आप देख लेना संसार में कोई कोई बच्चा तो बड़ी अच्छे होते हैं, सवेर उठते ही पिता माता के चरण छुएंगे, पिता माता की बड़े आदर से पालन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते बड़े उद्दंड होते हैं, एकदम पिता माता की बात नहीं सुनते। किसकी दोष? बोले माँ की दोष। ये माँ की दोष बताए, क्योंकि बच्चे गर्भ में रहते हुए माँ जो कुछ की है वो बच्चे के ऊपर वही संस्कार आएगी। इसलिए एक गर्भ संस्कार है। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की थी उसी समय में उनके सुंदर सुंदर भगवान विष्णु की मूर्ति, ठाकुर जी की लीला, प्रभु राम की कथा, भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाया करते थे। हैं वो कथा सुनने से क्या होता है, वो बच्चे अंदर में बैठे बैठे करके सौर ज्ञान को वो आहरण करता है, सौर ज्ञान को। अब रामायण देख लेना, जिस समय अब देखे होंगे, जिस समय भगवान राम जब कौशल्या कैकेयी उन्होंने खबर भेजे, भगवान राम को खबर भेजा था, बोले देखो राम अभी सीता जी गर्भवती है, उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, छोटी सी छोटी इच्छा हो। कहते गर्भ में जो बच्चा है, ये राम स्वयं कह रहे हैं सीता को, बोले माता जी के बड़े कठोर आदेश मेरे प्रति आई है, अभी सीता के मन में छोटी सी छोटी इच्छा भी उसकी पूरी करना, कोई इच्छा में बाधा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में बच्चा है, उसकी अच्छी अच्छी बात सुनाया जाए, भगवान की कथा सुनाया जाए। पिता माता हमको आदेश, माताओं का आदेश मेरे प्रति कठोर आदेश आया है, अभी तुम गर्भवती हो मेरे प्रति ये आदेश आया है, ठीक है ना? इसलिए सबके साथ गर्भ में बच्चे रहते हुए
भगवान की कथा सुनो, हरिनाम करो, कीर्तन करो, बच्चे अच्छे संस्कार बनकर के आएंगे। इसलिए माता जसोदा को ये सब संस्कार दी जा रही है। ऐसे लग रहा था मानो आज रात को ही कोई बालक का जन्म होने वाला है, बालक की इसी रात में जन्म होने वाले। बोले एक काम करो, गांव में देखना 8 बजे तक सबके सब जगे रहते हैं, पर जल्दी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि पहले नियम था जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जल्दी उठते थे। अभी तो पहले तो टीवी भी कुछ होता नहीं था, जल्दी जल्दी सो करके जल्दी जल्दी उठते थे, भगवान की आरती कीर्तन भगवान की कथा सुनते थे। लेकिन अभी क्या होता है, कल कोई माता मेरे को प्रश्न कर रही थी ना, बाबा कब उठनी चाहिए सवेरे, कितने बजे नहानी चाहिए। मैंने कल बताया था ना 4 तरह का स्नान है, ध्यान से सुनो, एक है ऋषि स्नान, एक है देव स्नान, एक है नर स्नान और एक है राक्षस स्नान। 4 तरह का स्नान शास्त्र ने बताया। कहते ऋषि स्नान किसको कहते हैं, बोले ब्रह्म मुहूर्त में जो नहा ले। बोले ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं किसको, बोले सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट ही उसको ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं। अगर उसी समय जो स्नान करता है उसको ऋषि स्नान कहते हैं, और उसी समय स्नान करने से शरीर का आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, इतने महत्व है। दूसरा स्नान है देव स्नान। देवता लोग कब स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से स्नान कर लेते हैं। कहते एक होता है नर स्नान, इंसान को कब स्नान करनी चाहिए, इंसान को नहीं उसको नर स्नान कहते हैं, उसको करनी चाहिए ठीक सूर्य जब उदय हो उसी समय में ही स्नान करनी चाहिए। कहते राक्षस स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय के बाद में जो नहाते। अब देख लो कौन सा स्नान कहते हैं, हैं? इसलिए पहले पहले जल्दी उठते थे, जल्दी जल्दी स्नान करते थे, बड़े बूढ़ों को देख लो पहले तो यही करते थे ना, हैं? अब ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन आकर के सबके सब ये सब बच्चों को बिगाड़ रहे, सबको बिगाड़ रहे हैं सबके सब। अब इसलिए यहाँ पर बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बोले एक काम करो, 8 से 10 बजे तक, 10 से 12 बजे तक कुछ कुछ गोपियों को ड्यूटी लगवा दो, पता नहीं बच्चा कब जन्म हो जाएगा। हाँ, जिनको 8 से 10 बजे तक ड्यूटी लगाए उन्होंने ढोलकी मजीरा लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल्ला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद 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 हरि गोविंद। अरे जोर से बोलो, पीछे माताओं को मुंह से तो आवाज नहीं आ रही। देखो वृंदावन में ना सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं, किसकी नाम लेते हैं जोर से बोलो, क्योंकि जो ब्रजवासी लोग बड़े चालाक है, बड़े चतुर है, वो चाहते हर व्यक्ति चाहते परिश्रम कम हो और हमें माल ज्यादा मिले, यही तो चाहते है ना। इसलिए एक राधा रानी का नाम में इतने शक्ति है। हाँ देखो, एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती है, अच्छे तरह से सुनिए संवाद को। माता पार्वती शंकर जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु हम किसको उपासना करनी चाहिए, अच्छे तरह की चीज को समझ लो, क्यों सब दुनिया चाहता है परिश्रम कम और ज्यादा फल मिले, ये संवाद में ये बात बताए। इतने में शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती, बोले आराधना नाम सर्वेशां
विष्णुं आराधनां परम। हे पार्वती, जितने आराधना में जो विष्णु भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। अभी विष्णु का 1,000 नाम किसकी? भगवान विष्णु की। अभी माता पार्वती रोज रोज विष्णु सहस्र नाम करती है। अभी इसको करने के लिए तो समय लगेगा। एक दिन शंकर जी सवेरे सवेरे माता पार्वती से भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन ले आ। बोले प्रभु पहले भजन करने तो बाद में भोजन होगा, अभी तो भजन ही पूरी नहीं है। आपने विष्णु सहस्र नाम करने के लिए बताए, 1,000 नाम लेने समय लगेगा। तब शंकर जी बोले, देखो पार्वती, तुमको एक सरल मार्ग बताता हूँ, जो परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ प्रभु क्या है। आप लोग ये श्लोक लगता है आप लोग बहुत लोगों को याद होगा, कहते राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बराने। बोले हे सुंदरी पार्वती, पार्वती बहुत सुंदर थी। बोले हे सुंदरी पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम को एक बार करने से जो फल, बोले 1,000 विष्णु नाम से जो फल है, अगर एक बार श्री राम का नाम ले लेगा तो उसको एक राम नाम समान 1,000 विष्णु नाम। पार्वती बोली प्रभु फिर तो राम का नाम करें। बोले हाँ पार्वती, राम का नाम करनी चाहिए। तब से माता पार्वती रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम प्रभु का नाम करती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी भोजन मांगे। इतने में शंकर जी बोले, पार्वती तुमको और एक सरल मार्ग बताता हूं, जो परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। देखो तो ये श्लोक है, कहते हैं भले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैक तद प्रजच्छति। बोले हे पार्वती, अगर ये विष्णु सहस्र नाम को कोई 3 बार ले, जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम लेने से वही फल मिलता है। इसका मतलब एक कृष्ण नाम समान 3,000 विष्णु का नाम और 3 बार राम का नाम को साथ में बराबर है। पार्वती बोलू प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम लो। बोले पार्वती, जो कृष्ण है बांके बिहारी सोलोकला में परिपूर्ण, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये भगवान श्री कृष्ण जो सोलोकला में परिपूर्ण है, यही कृष्ण ही युग युग में, जब जब विपत्ति पड़ी यही कृष्ण ही युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते हैं ठाकुर जी। बोले प्रभु फिर तो प्रभु कृष्ण का नाम ले। बोले हाँ पार्वती। जब उनने कुछ दिन कृष्ण नाम ली ना, शंकर जी बोले, पार्वती आज तेरे को एक बहुत बड़ी रहस्य बात बताऊंगा, ये बात अभी तक मैंने किसको बोला ही नहीं, मेरे हृदय की बात है। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले प्रभु आप ही तो बोल रहे थे कुछ दिन पहले ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, आप ही तो बोल रहे थे सोलोकला में। बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बाकी भी यार ये चंद्रमा को बोले ये बात, ये कृष्ण खुद कह रहे हैं। देखो ये श्लोक है, क्या श्लोक है? बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतमं ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तन। बोले अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले ले, उसमें जो उसको फल मिलेगा, अगर एक बार श्री राधा रानी का नाम ले उसको वही फल मिलेगा। ये कृष्ण खुद कहते हैं ये बात को, इसलिए वृंदावन में जाओ ना, ब्रजवासी बड़े चतुर है, इसलिए किसका नाम नहीं लेते, किसकी नाम लेते हैं? हर जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, बस एक बार राधा जी का नाम लिया तो कृष्ण नाम कितना बार हो गया? अरे बोलो कितना बार हो गया? 100 बार कृष्ण नाम करने का फल मिल गया। इसलिए ब्रज में भजन है ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे राधे हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली राधे चले आएंगे बिहारी।
अभी पार्वती बोली फिर तुम्हें राधे ही राधे बोलूंगा और कोई भी नाम लेने का। शंकर जी बोले देखो पार्वती इसमें भी बड़ा रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य? आप तो बोलो एक राधा जी का नाम कृष्ण खुद करे सौ बार लेने का फल मिलेगा। फिर रहस्य किया बोले राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे। बोले राधा जी का नाम लेने से राधा रानी नहीं आएगी, वहां पर कौन आएंगे? और बिहारी जी आएंगे। मतलब राधा जी के नाम से खुश कौन होते? बोले बिहारी जी खुश होते हैं। लेकिन जब तुम बिहारी जी बोलोगे ना उसमें से राधा रानी खुश होते हैं। राधा रानी का नाम से कृष्ण खुश और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश। बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिए, अभी बताओ राधे राधे बोले ना कृष्ण कृष्ण बोले? बोले देखो पार्वती दोनों का नाम लेनी चाहिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर से। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो। बोले प्रभु इसमें तो राधे राधे है ही नहीं, क्या हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम ये खिचड़ी जैसे है, ये कहाँ इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? तब बोले देखो ये जो हरे शब्द है, आप लोग थोड़ी बहुत कोई संस्कृत पढ़े हो स्कूल में? कोई थोड़ी बहुत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़े हो? आप लोग पढ़े हो? माताओं के अंदर में कौन संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़े है? पढ़ी नहीं माता जी, और कौन पढ़ी है? देखो ये हरे शब्द कैसे होता है, इसका मूल शब्द हरा। जैसे आप लोग स्कूल में कभी शब्द रूप याद किए होंगे, रमा रमे रमा रमम रमे रमा, सब याद किए होंगे ना। जैसे लता लते लता लताम लते लता लताभ्याम लता पढ़े होंगे। इसका मूल शब्द है हरा। ये संबोधन में ये हो जाता है जाकर के हरे। हरा मतलब कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती है वो हरा, और वो संबोधन में होता है हरे। हरे मतलब श्री राधिके, कृष्ण मतलब होता है कृष्ण, फिर वहां पर हरे राम आ गया, फिर जो हरे शब्द ये राधा रानी के लिए हो गया हरे, लेकिन उसमें फिर आता है हरे राम। अभी राधा जी को साथ में राम थोड़ी रहते हैं, राधा जी के साथ में तो श्याम रहते हैं। फिर इसमें जो राम कभी जो महामंत्र में जो राम है, ये जो दशरथ नंदन अयोध्यापति जो राम का नाम इसमें नहीं है, ये कृष्ण का नाम ही एक राम है। हम कहते ना राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा जी को साथ में रमण करते हैं बोले रास करते हैं, इसलिए इनका नाम राम है। इसलिए जो महामंत्र में ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, इसमें राधा कृष्ण की ये जुगल मंत्र ही ये महामंत्र है। इसलिए इसको कहते मंत्र नहीं कहते महामंत्र, बोले जितने मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। क्यों? राधा जी का नाम जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का नाम, ये कलियुग में ये महामंत्र है। इसलिए कलियुग में यही मंत्र को जप करनी चाहिए। देखो ये हमारी कलि संतरण उपनिषद में और ये गरुड़ पुराण में सब बताया गया, बोले चार युग है। कितना युग है? सत्य त्रेत्या द्वापर कलि। कहते सत्य युग का लोग कौन सा नाम लेकर के संसार से पार होते थे, ये वेद में बताया। बोले सत्य युग का मंत्र था नारायण परावेदा नारायण परामोक्षा नारायणम पराम गति नारायणम पराम मुक्ति। ये सत्य युग का लोग ये मंत्र लेते थे, इससे उनकी उद्धार होता था। त्रेता युग आया, त्रेता युग का लोग कौन सा नाम लेते थे? बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, ये नाम को लेते थे। द्वापर युग आया, बोले द्वापर युग का लोग कौन सा नाम लेते थे?
बोले हरे मुरारी मधु कैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगत्सरक्ष। ये द्वापर युग का मंत्र था। बोले कलयुग के लिए कौन सा मंत्र है? कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र। ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले इति षोडशक नामनम, ये शंकर खुद कह रहे हैं, बोले हे पार्वती इति षोडशक नामनम कलि कल्मष नाशनम नात परत उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। हे पार्वती समस्त वेद पुराण में बताया ये जो 16 नाम और 32 अक्षर जो मंत्र है, ये कलिजु का जो कलमस इस पाप को ये नष्ट करने वाली, शंकर स्वयं कहते पार्वती को, इसलिए कलिजु का ये महामंत्र है। इसलिए आप लोग यही महामंत्र को ही जप करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी क्या हुआ? अभी समस्त ब्रजवासी क्या किए, 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगाया वो सबके साथ भगवान की कीर्तन कर रहे थे, लेकिन 10 से लेकर के 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाया ना, जोग माया आकर के सबके सब सुला दी, कहां चिमटा गिरी कहां ढोलकी गिरी किसको पता नहीं, सब बेहोश होकर पड़े हुए। अभी वसुदेव महाराज कब मथुरा से आए और उन्होंने बेटा को रख करके बेटी को ले लिया, किसको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, क्यों जोग माया सबको सुला दी। अभी सुनंदा जो थी, जो नंद बाबा की जो बहन, एकदम सवेरे सवेरे उसकी नींद खोली, बोली भैया सब सो रहे हैं, अभी भाभी का क्या हालत है? और उनने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की कोख में बड़ी सुंदर एक श्याम सलना सा बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला कब घर में लाला की जन्म होगी। उसने एक थाली उठाई, अरे थाली लेकर के ना एक घर में बड़े जोर जोर से, बोले भैया नंद के लाला जग जाओ जग जाओ, तुम लोग तो थाली बजाओ कैसे क्या, इतने सबके सब वहां पर जगा दिए। बोले भैया कब लाला हो गया किसको पता ही नहीं, चलो अभी तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी हुई, क्यों नवला की हार में लगी। अभी बोले भैया कहाँ गया, पहले भैया को तो खबर दो। इतने में भैया को ढूंढने के लिए गए तो देखा भैया नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में बैठ कर माला जप कर रहे थे। वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है, वो लाला कब होगा, छोरा कब होगा, वही सोच रहे थे। इतने में सुनंद आकर के बोले भैया कमाल हो गया है, नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन क्या हुआ बताओ। बोले पहले बताओ 6 महीना पहले बैठी हुई हूँ, हैं बताओ पहले मेरे को क्या मिलेगा। बोले ले तुम नवला की हार से चक्कर में बैठे हो ना। बोले हाँ। बोले ले नवला की हार तो ले ले, लेकिन बता दे घर में कहाँ भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी है ना, जिसको सामने ये नवला का हार भी कुछ नहीं। बोले नवला की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बताओ और क्या मिलेगा। बोले ले वो जमुना किनारे में जो गैया चरते ना जमीनी जगह, तेरे नाम पर लिखवा दिया, ले खुश है ना। बोले नहीं और क्या मिलेगा। बोले दे दिया ना। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी। बोले ले ये ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में क्या हुआ है। बोले भैया तेरे घर में लाला हुआ है। बोले श्री नंद के लाला की हर जोर से भगवान जन्म हुए, जयकार कम कमजोर से क्यों, जोर से बोलो। बोले श्री नंद के लाला की। अभी नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगाए, क्योंकि कितने उन्होंने यज्ञ तपस्या उन्होंने क्या क्या नहीं किया, घर में एक लाला हो जाए, राजा बनने वाले कोई नहीं। इतने में नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए और आकर के जब लाला का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हो गए, उनने संकल्प लिया। बोले ब्राह्मण और संतों को मैं 20 लाख गैया सिंह को सोने में मढ़वा करके, उनका खुर को चांदी में मढ़वा करके 20 लाख गैया दान दूंगा, 7 तिल का पर्वत में दान दूंगा संतों और ब्राह्मण की, क्योंकि इनके आशीर्वाद से हमें आज लाला मेरे को मिला है। पहले संतों ब्राह्मण को बुलाओ, स्वस्ति वाचन से बच्चों को पहले आशीर्वाद दिलाओ। जितने संत लोग आकर के सबके सब आशीर्वाद बच्चों को दे रहे थे, क्या दे रहे थे। बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया
तेरो ललना जुग जुग जियो रिया सुधा मैया तेरो ललना जुग जुग जियो रिया सुधा मैया तेरो ललना जुग जुग जियो रिया सुधा मैया तेरो आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में उन्होंने एक नाई को बुलाए, बोले जाओ ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आए। जितने गोपियां तो छह छह महीना पहले से ही 84 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे। नंद के लाला होगा तो हम बधाई देने जाएंगे, सबके सब साथ धज करके मक्खन मिश्री और सबके सब लेकर के लाला को बधाई देने के लिए आ रही। जब आ रही तो उनको कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, लाला को हम जा करके दर्शन करें। ब्रज गोपियां अपना चोटी को सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी और एक एक फूल इनके चरण में गिर रहा था। बोले चरण में क्यों गिर रहा था? बोले जो कृष्ण को दर्शन करने जा रहे हैं इनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर ये चोटी में रहेंगे तो खोल करके जमुना में बहा देंगे, अगर ये ब्रज रज में मिली जाएंगे, कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होकर के ठुमू ठुमू करके नाचेंगे खेलेंगे उनकी चरण स्पर्श होगा। और जितने गोप लोग थे बगल बंदी धोती बड़े सुंदर पगड़ी तिलक लगा करके सबके सब आए और सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रहे थे। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो और बधाई हो, जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो। आज क्या कोई व्रत रखे हो? आवाज नहीं आ रही। हाँ जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रजवासियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में भी हमें लाला को मुख दर्शन करने को मिला। लाला हमारी नहीं, लाला तुम लोगों को लाला है। और जितने गोप लोग थे वो भी नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसलिए सबके सब जितने बड़े बूढ़े थे ना, सबके सब हृदय से सबके सब कान्हा को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो नियम है, अच्छे तरह सुनो, सवेरे उठ करके ना सबसे पहले पिता माता की चरण छूनी चाहिए। किसकी चरण छूनी चाहिए? अरे बोलो, माता को चरण छूनी चाहिए। अब देखना किसी को भी आप चरण छुएंगे ना, आप देख लेना हृदय से स्वाभाविक रूप में आशीर्वाद निकलेगा, निकलेगा ही, निकलेगा, निकलता कि नहीं। इसलिए जिसकी पिता माता वो पिता माता को छुए, जिनकी सास ससुर है उनको भी सवेरे उठ करके सास ससुर को भी चरण छूनी चाहिए। देखो सास ससुर को जिनकी आप चरण छुओगे ना, इतने आशीर्वाद है कि तुम्हारी ललाट में अगर कोई गंदी चीज हो, अगर पिता माता आशीर्वाद देते है ना वो खत्म हो जाती है। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद में इतने फल है, ठीक है। और जितने बहुए बैठी हो सबके सब किसको चरण छुओगे? किसका चरण छूनी चाहिए? सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। देखो एक अच्छी बात सुनो, जैसे मानो किसी व्यक्ति का तीन बेटे है, कितने बेटे? तीन बेटे। लेकिन जो बहू देखना सास ससुर की जो चरण छुएगा सेवा करेगा, घर का सारे सोना चांदी किसको पास में? ससुर के पास में है ना, ससुर और सास के पास में जितने सोना चांदी इनको पास में। देख लेना जितने बहू, जो बहू ज्यादा सेवा करेगी सास ससुर क्या करेगा? जिसको ऊपर संतुष्ट उसको तो ज्यादा देंगे, वो पहले उठा कर उसको दे देंगे, पहले कुछ छुपा कर रख दे, क्यों बंटवारा होगी ना, बंटवारा तो बराबर होगी, लेकिन जो सेवा करेगा तो पहले उठा कर उसको ज्यादा दे देगा। मतलब ये लाभ है, इसलिए सेवा करने का बड़ी लाभ है सेवा करने की, इसलिए इसमें हानि नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है कोई। और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो फलते फूलते रहोगे, ठीक है ना। इसलिए नियम है, इसलिए प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। कौन कौन छूते हो? सास ससुर की, पिता माता की।
कोई नहीं छूते, कोई हाथ नहीं उठा रहे, एक दो भाई कल से सबके सब करना ये काम को, ठीक है ना। कल सबके सब, देखो आप जो करोगे ना आपका बच्चे वही सीखेगा, बच्चे तो वही सीखेगा ना देख करके, हैं वही सीखेगा देख करके। इसलिए अगर चाहते हो फलते फूलना चाहते हो जरूर पिता माता की आदर करो और सेवा करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी सबके सब ब्रजवासी आ गए लेकिन ये दो व्यक्ति अभी तक नहीं आए, कौन? वृषभानु महाराज कृतिका सुंदरी, ये कौन है? बोले राधा रानी की ये पिता माता है। कल ये दोनों आ जाए फिर उत्सव प्रारंभ होगा। और देखते देखते देखा दोनों प्रवेश किया है, जब प्रवेश किया अभी नंद महोत्सव प्रारंभ होगी। एक गोप ने किया कि एक लठिया लेकर के, जो कृतिका मैया दूध दही मक्खन लेकर के आए थे ना, वो लठिया से मारे, मारते ही मटकी फूट गई और वो जो कृतिका मैया पूरा दूध दही से उन्होंने स्नान कर लिया। फिर तो वहां पर एक होता है दधी दादी, दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके फिर एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं, फिर तो एक दूसरों के ऊपर लगाने लग गए और बड़े मक्खन के डेले को डेले लाए थे, ए उठा उठा करके एक एक ऊपर में सबको ऊपर में सबके सब फेंक रहे थे। इतने में एक बड़ी बड़ी गोपियां थी 100 साल की, जिसकी एक भी दांत नहीं, वो आ करके देख रही थी। बोले भैया बड़े जोर से नंद उत्सव हो रहा है, वो ऐसे करके देख रही थी, एक भी दांत नहीं थी। एक गोप ने उठाया मक्खन के डेला और उसकी मुंह को लक्ष्य करके सीधा मारे, और मारते ही एक तो दांत थी नहीं और मुंह में लगाना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे थे। और वहां पर इतने दूध दही लाए ना, एकदम किच किच हो गया पूरा के पूरा, और एक दूसरे को पर गिर रहे थे, फिसल फिसल कर गिर रहे थे हैं, और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा राजा है, उनके आंगन बहुत बड़ी आंगन थी है, जैसे यहाँ पर बैठे है ना, बहुत बड़े उनकी आंगन थी। इतने दूध दही लाए थे पूरा के पूरा आंगन भर गया, ऐसे लग रहा था जैसे दूध का एक समुद्र है। इतने में नंद बाबा बैठे बैठकर देख रहे थे और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जितने नंदगांव बरसाना गोप थे ना, नंद बाबा को पकड़ कर सीधा बीच में ले आए। बोले आज तेरे घर में लाला हुआ, कम से कम आज तो तू नाच ले। नंद बाबा कमर में फेटा बांध कर रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ पे बरसाना का, दोनों तरफ पे दोनों पकड़े हुए। नंद बाबा देखने में बड़े गौरव भरने के, बड़े लंबे चौड़े, ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम लोग ने सुना था लवण समुद्र मंथन, जिसमें हलाहल जहर निकला तो शंकर जी टन के टन जहर पी करके अपने गले में धारण किया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन निकले? बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। यहाँ पर था आनंद कंद कृष्ण स्वयं, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ही यहाँ पर निकले हैं। जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित नंद बाबा इतने धन दौलत उन्हें लुटाए, ऐसे लग रहा था मानो माँ लक्ष्मी अली गलियों में क्रीड़ा कर रही है। ब्राह्मण लोग तो बांध बांध करके कटली में ले नहीं पा रहे थे, कोने में निकलते निकलते जा रहा था, अली गलियों में बिखरा हुआ था। वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे, 33 करोड़ देवता आए थे, और वहां पर कहते ना हाथी घोड़ा पाल की, इतने हाथी घोड़े दान दिए। शंकर तो डर गए, बोले क्यों? बोले भैया मेरा बहन भी तो नंदी, ये भी तो बैल, ऐसे नहीं 20 लाख गैया दान दे रहे हैं, गैया को दान देते थे अगर मेरे नंदी को अगर दान में चला गया तो फिर मैं कैसे जाऊं, इसलिए उन्हें नंदी का पूछ पकड़ लिए। अभी मैया पार्वती आई थी, पार्वती का भी दो बेटे हैं, कौन कौन है? कार्तिक और गणेश जी, इनकी दो बेटे हैं, इसलिए उनका बेटा जो गणेश जी उसका भी सर गजानन है ना, वो हाथी जैसे, इसलिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अभी माता पार्वती भी डर गई, बोले क्यों? बोले ये हाथी को देते देते
ऐसे नहीं भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मानकर दे दिया तो क्या होगा, मेरे बेटा ही चला जाएगा। इसलिए पार्वती गणेश जी को गोद में लेकर चुपका करके बड़ी जोर से खड़ी हुई थी। वहां स्वयं कहते कुबेर, कुबेर ये स्वर्ग की, ये कौन है, जितने धन दौलत का मालिक जो है जिसको पास में, कहते कुबेर भी आया था, लेकिन नंद बाबा इतने दान दे रहे थे उनका सर भी नीचा हो गया। बोला आज इतने दान दे रहे भैया, मेरे पास में भी इतने धन दौलत है नहीं। इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी प्रभु जी आपको बड़े सुंदर एक भजन सुनाएंगे, ये भगवान कृष्ण कैसे जन्म हुए। देखो और एक अनाउंसमेंट है, कल है भागवत में गिरिराज की पूजा है, है? भगवान गिरिराज की पूजा है। भागवत कथा में ये गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है। ये स्वयं गिरिराज खुद बोले जब ये अन्नकूट महोत्सव हो, केवल उसमें एक अन्न की दाना अगर किसने लगा दिया था, लगा दिए तो ये भगवान गिरिराज स्वयं कहते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। इसी जीवन में नहीं, बोले किसी जीवन में उसकी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा, इतने महत्व है। इसलिए कल श्री अन्नकूट महोत्सव हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग अपना घर से जो चीज अच्छी बनाती हो, कढ़ी चावल हो, थोड़ा हलवा हो, कोई जो चीज आप, कोई मिठाई हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ कल लेकर के आना, क्यों कल गिरिराज की भोग लगेगा ना, तुम्हारे घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव कभी नहीं पड़ेगा और वो प्रसाद आपको मिलेगा। और परसों एकादशी है, ये लोग बोल रहे थे परसों भंडारा करने के लिए, लेकिन अभी हम बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, क्योंकि उसी दिन एकादशी का दिन अन्न खाना जितना पाप है, अन्न देना भी उतना पाप है, क्योंकि गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या सारे पाप अन्न में आश्रय करते हैं। भागवत कथा में कभी भी अन्न दान एकादशी का दिन करना पाप लगता है। इसलिए अब अभी हम विचार करेंगे बैठी करके क्या करे, जे कल ही भंडारा बना दे ना, परसों अगर करे तो एकादशी का प्रसाद सबको देना पड़ेगा। हम बात कर लेंगे, अगर एकादशी का प्रसाद मिल जाए तो अच्छी बात, हम बात करके फिर आपको बताएंगे फिर हम, ठीक है। कल आप कुछ ना कुछ लेकर के गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आना, ठीक है। और देखो गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, परिक्रमा लगाए हाथ उठाओ तो कौन कौन गिरिराज गए, हाथ उठा सब, कैसे एक दो गए, कोई नहीं गए भगवान, आप बताओ कौन जाना चाहते हैं गिरिराज, हाथ उठा सब ले चलेंगे आपको, सब पूरा पृथ्वी हम दर्शन करा देंगे, ठीक है। देखो गिरिराज का एक नाम ही सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब गिरिराज को परिक्रमा करते हुए जो कुछ मांगो गिरिराज समस्त इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं। जो गिरिराज गए हो देख लेना, वहां पर गिरिराज को शिला होता है ना, गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, क्यों आपको पता है, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए जितने शिला के ऊपर में जितना शिला रख देते ना गिरिराज उतना मंजिली मकान दे देते हैं। आप देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ देखोगे, कोई साष्टांग प्रणाम, कोई दुग्धी धार की प्रणाम, ये परिक्रमा कर रहे हैं आप देखोगे, क्यों ये गिरिराज से जो मांगोगे ये गिरिराज समस्त इच्छाओं को गिरिराज ही पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है इसमें क्या मांगेगा। अब बताओ गिरिराज की इतने महिमा क्यों है, विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की है, गिरिराज को। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की है, गिरिराज। इसलिए गिरिराज की इतने महिमा, इसलिए भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए सब कुछ लेकर गए, लेकिन उन्होंने गिरिराज को छोड़कर के जगत में गए, क्यों हम लोगों कल्याण के लिए। आप कभी भी गिरिराज में जाओगे देखो 24 घंटा में देखो हर समय गिरिराज की परिक्रमा लगता होगा हर समय, क्योंकि गिरिराज सबकी इच्छा पूरा करते हैं गिरिराज जी है। इसलिए 12 महीना तो अन्नकूट होता है। एक बार हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, आप सबको एक बार ले जाएंगे, ठीक है। देखो भारत में जन्म हुए हो बड़े भाग्य से, अगर वृंदावन तक नहीं गए तो फिर गया कहां पर, अगर शादी कहीं हो ना बड़े दूर देश में वहां पर चले जाते होंगे, लेकिन अभी वृंदावन में नहीं गए हो। अब सबको ले जाएंगे, वृंदावन कभी जाओगे ना
पृथ्वी का सारे लोग लंदन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका लोग वहां पर बैठे हुए आकर देखोगे, ब्रजवास कर रहे हैं और तुम तो भारत में जन्म लियो। ठीक है, अब सबको एक बार ले जाएंगे, कौन जाओगे बोला, हाथ उठा दो, जाओगे ना? ठीक है, अब सबको ले जाएंगे एक बार, हम आपस में हम चर्चा करेंगे, एक बार सबको लेकर गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। ठीक है, गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे, वृंदावन धाम दर्शन कराएंगे आपको। ठीक है, कब जो 84 ब्रज मंडल है उसको एक बार कोई परिक्रमा कर लेना, उसको 84 लक्ष्य भ्रमण खत्म हो जाता है, फिर 84 लक्ष्य जीवन में फिर भ्रमण नहीं करता। बड़ी महिमा ब्रज मंडल की, कभी कार्तिक में जा करके देखो कितने हजार हजार लोग कहाँ कहाँ से विदेश से आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। अभी हमारी परिक्रमा चल रही थी, पृथ्वी का सारे लोग परिक्रमा में थे, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, सब लोग परिक्रमा कर रहे थे, विदेश से लाख रुपया खर्चा करके आते हैं, और तुम तो यही थोड़ी सी पैसा खर्चा करेंगे तो वृंदावन पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी एक भजन सुन लो, प्रभु जी आपको एक बधाई सुनाएंगे। हाँ, सबके सब एक बार बहुत समय से बैठो, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार नाच लो भगवान का कीर्तन में, ठाकुर का भजन में। बोलो प्रभु, सुखी जनो नंद की द्वार, लाला के दर्शन करिया, सखी चलो नंद के द्वार, I'm gonna make it.
भैया
क्या बोले कंस को मैंने काफी समय से कर नहीं दिया था,
तो इसीलिए लोगों को नंद भवन में सुरक्षा के लिए नियुक्त करके गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्यम मथुरा गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु हकुरु द्वह। नंद बाबा ने आज सभी गोप लोगों को कहा, तुम यहाँ आराम से नंदोत्सव मनाओ और थोड़ा लाला का ध्यान भी रखना, मैं जाकर कंस को कर देकर आता हूँ। अब तक क्योंकि नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं थी तो वे भी बड़े उदासीन थे, किसको कर देना है, क्योंकि भविष्य में कोई संतान तो है नहीं, कौन राजा होगा इसके विषय में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ है घर में, नंद बाबा के हृदय में भी हिलोरे उठ रही है, लाला बड़ा होगा, लाला की शादी होगी, घर में बहू आएगी, तो इसलिए पहले जाकर कंस का मुंह बंद कर देना चाहिए। इसलिए नंद बाबा नंद भवन को छोड़ के और मथुरा की ओर गए हैं कंस को कर देने के लिए। वहां जाकर जब मिले थे वसुदेव महाराज से, तो वसुदेव महाराज ने पहले ही इन्हें सावधान कर रहे थे, बातों बातों में ही मानो प्रश्न भी कर रहे थे कि हमने सुना है तुम्हारी बूढ़ी उम्र में एक लाला हुआ है। यद्यपि वसुदेव महाराज स्वयं ही अपनी संतान को यहाँ रख कर गए हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण तो मेरी संतान है, इसलिए बातों बातों में ऐसा पूछ रहे हैं कि बूढ़ी उम्र में तुम्हारी भी लाला हुआ है। नंद बाबा कहते हैं हाँ ऐसा तो हुआ है, और नंद बाबा ने भी सांत्वना देते हुए मानो ये कहा कि मैंने सुना है कंस ने तुम्हारे 6-6 पुत्रों को मार दिया, सातवीं एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में उड़ के चली गई। इस तरह से वसुदेव महाराज मानो नंद बाबा को सावधान कर ही रहे थे कि तुम जल्दी जल्दी चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है कोई अनहोनी ना हो जाए। और इस तरफ कंस ने जैसे ही वसुदेव महाराज पुनः उस बालिका को लेकर आए थे कारागार में, सारी वापस हथकड़ियां लग गई, वो बालिका जब क्रंदन करने लगी सारे पहरेदार भी जग गए थे। सारे पहरेदार ने जाकर जब कंस को बोला, बोले तेरे काल का जन्म हुआ है, आकर देख। और उस बालिका के आलोक से तो पूरा कारागार आलोकित हो रहा था। कंस ने जैसे ही आकर देखा, बेटा नहीं ये तो बेटी है, मनी मन विचार करने लगे कि देवता क्या झूठ बोलते हैं। उसके हाथ से देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन कर और जैसे ही बाहर ले जाकर पछाड़ मारकर और मारने की चेष्टा करी, उसी समय पर वो तो कंस की छाती पे लात मारकर और आकाश में चली गई। सात अधस्ता समुत्पेत्य सद्यो देव्यं वरं गता अदृश्यता अनुजा विष्णु। कह रहे हैं विष्णु की अनुजा, कृष्ण की छोटी बहन, यहां पर बतला रहे हैं टीकाकार कि सबसे पहले यशोदा के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण के पश्चात ये योग माया का जन्म हुआ था। वो साक्षात योग माया थी, लेकिन जैसे ही उसने अष्ट भुजा स्वरूप धारण किया और कंस को चेतावनी देने लगी कि रे मूरख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस ने जैसे ये बात सुनी और सोचने लगा कि ये तो मेरी कुल देवी कंकाली देवी है, ये तो कभी झूठ बोल नहीं सकती, क्या देवताओं की वाणी झूठ थी, ना मेरे साथ कोई छल कपट किया गया है। ऐसा विचार करके और जब उसने सुना कि मेरा काल अन्यत्र जन्म ले चुका है, उसी समय पर उसने पूतना को भेज दिया। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम वजादिषु। पूतना वहां पर उपस्थित थी। पूतना ने कहा कि भैया मेरा नाम ही पूतना है, पूतना अर्थात अपवित्र, पूतना जो पूतों को रहने ही ना दे, नवजात शिशु को रहने ही ना दे। आप चिंता मत करो, अगर तेरे काल ने कहीं और जन्म लिया होगा, 10 दिन के अंदर अंदर जिस भी नवजात शिशु का जन्म हुआ है मैं उन सबको मार दूंगी। और पूतना इसी प्रकार का प्रण लेकर ग्राम ग्राम में भ्रमण करती करती जब ब्रज की ओर आई, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि पूतना ब्रज में आखिर आ कैसे गई, पूतना तो राक्षसी है और जहां पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने परम ब्रह्म परात्पर तत्व ने यहाँ जन्म लिया हो, वहां पर राक्षसों का प्रवेश कैसे हो सकता है। नयत्र श्रवणादिनी रक्षोग्नानी स्वगर्मसु, अरे जहां पर अपवित्र वस्तु कहां प्रवेश करती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपवित्र वस्तु वहीं पर प्रवेश करती है जहां पर भगवान का कीर्तन, जहां पर भगवान की कथा ना हो। आप देखो पहले के समय में हमारी माताएं सब घर में बड़ी शुचि रखती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके ही सारे कार्य करती थी, ठाकुर की आरती होती थी, ठाकुर का कीर्तन होता था, इसीलिए घर बड़ा पवित्र रहता था। लेकिन आज के समय पर क्योंकि घर में शुचि नहीं रहती, अपवित्र रहता है, इसी कारण क्या होता है, सारे अमंगल भी हो रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जहां ठाकुर का कथा कीर्तन नहीं होगा वहां पर पूतना प्रवेश करेगी ही,
लेकिन आज ब्रज में क्यों आई है? कहते हैं जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ सारे ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के घर लाला हुआ है और बड़ा सुंदर अपूर्व सुंदर उसके छवि है। और पहले के समय में शिशु का जन्म होने के बाद में सूतक लगता था, अभी भी होता होगा, लोग सूतक मानते थे। तो उस घर में बच्चे को माँ, गर्भवती माँ और बच्चा उसी घर में रहता है वहां पे, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। ब्रजवासियों के हृदय में बड़ी इच्छा थी कि हम भी कृष्ण का दर्शन करें। अभी कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो घुटनों पर भी चलना नहीं जानता, बाहर तो जा नहीं सकता। तो क्या किया, वहां से पूतना मौसी को बुला लिया। जैसे ही पूतना मौसी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके आई है, ऐसा उसका सुंदर स्वरूप, बड़ी इतराती बलखाती हुई, उसने अपने केशों को इतने सुंदर रूप में मल्लिका पुष्प लगा के सुसज्जित कर रखा था, चंद्रमा की छटा को भी पराभूत करने वाली चमचमाती हुई साड़ी अपने शरीर पर धारण कर रखी है, दोलायमान कुंडल कानों में पहन रखे हैं, गले में माला धारण करी हुई है, और मानो नवजल धर मेघ के कालिमा को मानो चोरी करके और अपनी आंखों में काजल रूप में सजा दिया, कमर में करधनी पहन रखी है, पैरों में पायल, छम छम करती हुई। सारे ब्रजवासी जब नंद भवन में प्रवेश कर रहे थे उन्हीं के साथ साथ मिलके और मैया यशोदा बधाई हो, सभी अंदर प्रवेश करके और मैया देखने लग गई कि ये मेरी बहन कहां से आ गई, इसको तो पहले कभी मैंने देखा नहीं। लेकिन उत्सव चल रहा था इसलिए यशोदा ने भी सोचा कि इसका पता इसका ठिकाना सब बाद में पूछूंगी। बोले बधाई हो बहन, बधाई हो, तुम सभी के आशीर्वाद से ही आज मुझे इस बूढ़ी उम्र में लाला हुआ है। बोले कहाँ है कृष्ण जरा बता दो। बोले वहां पालने में। वहीं पर पूतना इतराती हुई पालने के पास गई और कहने लगी कि इतना सुंदर बालक, अरे इसको कोई पालने में थोड़ी चलाते हैं, ऐसे सुंदर बालक को तो गोद में लेके और लाड लड़ाना चाहिए। अभी प्रभु तो सब जानते हैं, कृष्ण तो अंतर्यामी है। जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आई है और वो भी मुझे मारने के उद्देश्य से, कृष्ण ने वहां पर आंख बंद कर ली। कृष्ण ने वहां पर आंख बंद कर ली। कृष्ण ने आंख क्यों बंद करी, हमारे टीकाकार लोग इसके पीछे बड़े कारण बताते हैं। कहते हैं कृष्ण ने आंख बंद इसलिए करी क्योंकि छोटे बालकों का मानव स्वभाव होता है सब समय सोने का। कृष्ण अभी माँ के स्तन से दूध पिया था और सो रहे हो। तब एक संत कहते हैं नहीं नहीं, शयन नहीं कर रहे हैं बच्चे, दूसरों के छोटे बच्चे नवजात शिशु दूसरों के हाथों में जाना नहीं चाहते, पूतना अनजानी है न जाने कहां से आई, इसीलिए सीधा जाते ही कृष्ण को गोद में उठा लिया, कृष्ण ने वहां पर आंख बंद कर ली। और एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूतना किस उद्देश्य से आई। कहते हैं कृष्ण जो भी नवजात शिशु थे उनको मारने के लिए। अभी ब्रज में जितनी भी शिशु का जन्म हुआ है वो तो सारे कृष्ण के सखा सखी हैं। कृष्ण मानो या मनी मन विचार कर रहे हैं कि तू इतना गलत उद्देश्य लेकर यहाँ पर आई है, मेरे सखाओं और सखियों का हवन करेगी, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। तब और एक संत का यह विचार है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लेकर आई है और विष पीने से कृष्ण की हानि हो सकती है। तो मानो कृष्ण आंख बंद करके और मनी मन स्मरण कर रहे हैं शंकर जी का। बोले भोले बाबा आ जाओ, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तब आप ही ने उसका पान किया था ना, आज पूतना फिर विष लेकर आई है, विष पीना आपका काम और दूध पीना मेरा काम। तो इस उद्देश्य से पूतना कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। और एक संत कहते हैं कि मानो कृष्ण उनके आने का उद्देश्य है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण आए किस लिए हैं? बोले राक्षसों का वध करने के लिए। हरे कृष्ण, राक्षसों का वध करने के लिए कृष्ण का आविर्भूत हुए हैं, तो इसीलिए पूतना से उनको शुभारंभ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कृष्ण मानो मंगलाचरण कर रहे हो, आंख बंद करके बोले भैया सबसे पहले ही ये स्त्री आई है और स्त्री को मारते हुए मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, तो कृष्ण ने वहां पर आंखें बंद कर ली। इस तरह से अनेक अनेक भाव संतों ने वहां प्रकाशित किए कि कृष्ण ने आंख क्यों बंद करी। अब जैसे ही कृष्ण की आंख बंद थी पूतना ने क्या किया, बलात् कृष्ण को गोद में लिया, अपना स्तन जबरन उनके मुख में दे दिया और मुख में देते ही कृष्ण ने धीरे धीरे दूध पान किया, उसके बाद में विष भी पान किया और विष पान करने के बाद बाद उसके प्राणों का शोषण करने लगे। जैसे ही पूतना को ये पीड़ा हुई, असहनीय पीड़ा उसके हृदय में होने लगी, सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी, कहने लगी मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे, बहुत दूध पी लिया अब मुझे बख्श दे, इस तरह से कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। लेकिन कृष्ण भी कहने लगे भैया तू ही तो माँ का रूप धारण करके आई थी, मैंने तो बुलाया नहीं था और सहज में मैं किसी को पकड़ता नहीं,
पकड़ लेता हूँ तो फिर जब तक अपने चरणों में ना पहुंचा दूं तब तक मैं छोड़ता नहीं। अभी उसके मन में भी विचार आने लगा कि किसी तरह से इस पीड़ा से मुक्ति पाई जाए। सोच रही थी अपने भाई कंस के पास ले जाती हूँ, जैसे ही कंस के पास ले जाऊंगी वो हो सकता है कुछ सहायता कर दे। उसने क्या किया, अपना विराट स्वरूप धारण किया और कृष्ण उनके स्तन पर दौड़ती दौड़ती जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलकर और मथुरा की ओर जा रही थी तभी प्रभु ने उसके प्राण हरण कर लिए और जाकर वो कंस का एक बगीचा था वहीं पर धड़ाम करके गिरी। वहां पर गिरते ही कंस का सारा बगीचा नष्ट हो गया। कंस का निर्देश था वो इस बगीचे के फूल फल इत्यादि कोई भी विष्णु सेवा में नहीं लगने चाहिए, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा में नहीं लगने चाहिए, केवल मात्र मेरी और मेरे अनुयायियों की सेवा होनी चाहिए। इससे मानो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत्, अरे मैंने इस जगत की सृष्टि करी, ये जगत की सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं और तू इसे मुझे प्रदान ना करके मेरे भक्तों को प्रदान ना करके और अपनी भोग में लगाएगा। कृष्ण ने क्या किया, उसी स्थान पर पूतना को गिरा दिया। पूतना को गिराकर सारा बगीचा नष्ट हो गया, एक फल फूल भी वहां पर रह नहीं गया। टीकाकार लोग यहाँ शिक्षा देते हैं बड़ी सुंदर। देखो जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले ठाकुर को यदि अर्पित ना करोगे तो हमारे घर में भी पूतना आएगी। जो भी कितने समय से हम गुरुदेव के मुख से श्रवण कर रहे हैं कि जो भी वस्तु ग्रहण करो उससे पहले ठाकुर को भोग लगाओ। ठाकुर को भोग लगाकर कोई वस्तु यदि ग्रहण करोगे वो उनका प्रसाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। लेकिन यदि वो नहीं करके स्वयं खा रहे हो, कंस के समान अपने भोग के लिए यदि व्यवहार कर रहे हो, निश्चित रूप में पूतना एक दिन आएगी और सब तहस नहस कर देगी। सारे ब्रजवासी उस पूतना का विराट स्वरूप देखकर बड़े भयभीत हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना का स्वरूप इतना भयंकर था, उसके ऐसे बड़े बड़े दांत, ऐसा लग रहा था कोई हल हो, उसके बाल ताम्रवन जैसे, उसकी नासिका ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़े बड़े चट्टानों के बीच में गुफा, और उसकी आंखें एक अंधे कुएं के समान, उसकी नाभि एक जल शून्य हृदय, उसकी बड़ी बड़ी भुजा मानो एक सेतु के समान लग रही थी, इतना विकराल स्वरूप। लेकिन जब देखा कृष्ण उसके छाती पर बैठकर खेल रहे हैं तभी ब्रजवासियों ने जल्दी जल्दी जाके और कृष्ण को उतारने की चेष्टा करी, वहां पर सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के ब्रजवासी डरते डरते ऊपर चढ़ रहे थे। बोले भैया इसकी आंख खुल गई तो हमको तो कच्चा ही निकल लेगी। किसी ना किसी तरीके से कृष्ण को जल्दी जल्दी वहां से उतारा और कृष्ण ने जैसे ही किलकारी मार के हंसने लगे थोड़े मैया यशोदा की गोद में जाते ही तब जाकर सभी ब्रजवासियों को चैन मिला। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम्, कह रहे हैं वहां पर मैया यशोदा ने कृष्ण को गौमूत्र से और गोबर से स्नान करवाया और गाय के खुर से जो मिट्टी उठती है वो मिट्टी भी बड़ी पवित्र होती है, उस ब्रजरज को लेकर कृष्ण को भी तिलक लगाया। देखो यहाँ पर शिक्षा है बड़ी सुंदर। कृष्ण भी वहां पर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज मैया ये कर रही है तो कर क्या रही है, मेरे ही नामों को ले लेकर और मेरे शरीर पर सुरक्षा कवच ये तिलक लगा रही है। हम जो ये तिलक धारण करते हैं ये तिलक भी ब्रजरज है, ये कोई साधारण नहीं है। एक समय पर द्वारका में भगवान कृष्ण को जब ज्वर हो गया, यद्यपि भगवान को तो कोई रोग हो नहीं सकता लेकिन उन्होंने ऐसे ही अपने भक्तों की महिमा स्थापित करने के लिए एक बार बुखार का नाटक किया। अभी नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। नारद जी ने पूछा प्रभु आपका नाम लेने से जिसकी सर्व व्याधि चली जाती है, आप स्वयं आज ज्वर से पीड़ित हो रहे हो, बताइए क्या लीला है आपकी। बोले मेरा ज्वर तभी जाएगा जब मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे। बोले अच्छा। बोले नारद जी मैंने सुना है तुम भी मेरे बड़े भक्त हो, तुम अपने चरणों की धूल मुझे दे दो ताकि मेरा बुखार ठीक हो जाए। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, अपने चरणों की धूल आपको देकर क्या मुझे नरक जाना है। बोले द्वारका में इतनी सारी मेरी महिषियां हैं, जाओ जरा उनसे पूछ के आओ। सब महिषियों के पास में गए। बोले कृष्ण को बुखार है, तुम्हें पता है अगर अपने चरणों के रस दे दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। महिषियां भी भयभीत होने लगी, अपने पति परमेश्वर को पैरों की धूल देना और तब पर भी जब वो साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा तत्व हो, उनको कदापि नहीं। सर्वत्र भ्रमण किया नारद जी ने, जब घूम कर वापस आ गए कृष्ण के पास में, कहने लगे प्रभु किसी ने आपको चरण रज नहीं दे रहे। कृष्ण कहने लगे कि ब्रज की तरफ गए थे कि नहीं। बोले प्रभु बस ब्रज में ही नहीं गया, मैंने सोचा वहां तो ग्वालिनियां कंडे बीनने वाले दधि मंथन करने वाले, वहां आपका कौन भक्त होगा। बोले नारद जी एक बार जाकर तो देखो, अगर मेरे सच्चे भक्त कहीं पर हैं तो एकमात्र ब्रज में ही हैं, वो ब्रज गोपियां साधारण नहीं, वो ही मेरे परम भक्त हैं। नारद जी जैसे ही आए ब्रज के अंदर, ब्रज गोपियों से भी कहा कि प्रभु का ज्वर है और उनको ठीक होने के लिए अपने भक्तों की चरण रज चाहिए।
सारी गोपियां वहां पर पैर घिस घिस के एक रज का पहाड़ इकट्ठा कर दिया। नारद जी से कहा, कोई बोरी बोरी लाए कि नहीं? बोले, तुम सच में ग्वालिनिया कंडे मिलने वाली, तुम मूर्ख ही रह गई। अरे कहा, वो साक्षात भगवान है, जानते हो उनको चरण रज देने से नर्क की गति होगी। यहां पर गोपियां कहने लगी कि देखो, कृष्ण की सेवा के लिए यदि हमें नर्क भी जाना पड़े तो हम नर्क जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण को ज्वर हो रहा है, वो पीड़ा में है, ये चीज हम कभी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए वही ब्रजरज को लेकर आया गया, कृष्ण ने साक्षात उसमें स्नान किया और वही स्नान करी हुई जो अभिषिक्त रेणु है उसी रेणु को हम तिलक रूप में धारण करते हैं। आप द्वारका जाकर देखना, वहां पर एक गोपी तालाब है, उसी गोपी तालाब से ये मिट्टी आती है और इस मिट्टी से साक्षात कृष्ण भी स्नान करते हैं, तो कितनी परम पवित्र होगी। आज उसी ब्रजरज को लेकर मैया यशोदा ने कृष्ण को भी तिलक लगाया, तिलक धारण करवा के और गौमूत्र गोबर से स्नान करवाया। जैसे ही नंद बाबा वापस आ गए थे, पूतना का विराट स्वरूप देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े भयभीत भी हो गए, सोचा मैं कहीं अनजानी जगह आ गया न, क्या है ये। ब्रजवासियों ने सब कथा उनको कह दी। बोले, बाबा ऐसा ऐसा हुआ था और ये पूतना न जाने कहां से आ गई, कहीं ठोकर लगी थोड़ी सी तो मर गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि 6 दिन के बालक कृष्ण, उन्होंने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, कोई विश्वास करने को राजी नहीं। बाबा से पूछा कि ये मरी तो मरी, लेकिन हमारे गोकुल मथुरा का हाईवे जाम करके चली गई, बताओ ट्रैफिक कैसे क्लियर करें। बाबा वहां पर कहने लगे कि देखो, अपने घर से फरसे कुल्हाड़ी सब ले आओ, इसी के हाथ पैर काट काट के, और सारे बगीचे की लकड़ियां तो थी ही, वहीं पर इसको आग लगा दो। जैसे ही उसको आग लगाया है, दैयमानस्य देहस्य पुनर्गौरज सार्थकम्, कहते हैं उसके शरीर से अगूर कपूर चंदन की सुगंध आने लगी। अरे कृष्ण का जिसको स्पर्श हो गया हो, क्या वो राक्षसी और रह गई? वो तो परम पवित्र हो गई। इसीलिए जब से उसके शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है। ब्रजवासी लेकिन कोई मानने को राजी नहीं कि इस राक्षसी के शरीर से सुगंध आएगी। सोच रहे हैं मनी मन, अरे क्या इंद्र ने पारिजात पुष्पों की वर्षा करी है, ना और कोई कारण है, देवताओं ने जरूर कुछ सुगंधित पदार्थ को छिड़का है, तभी जाकर पूरे ब्रज में इतनी सुगंध हो रही है। ऐसी अपूर्व सुगंध वहां से आ रही थी, सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण के दर्शन की तो लालसा थी ब्रजवासियों को, आज उनकी ये इच्छा भी पूर्ण करी भगवान ने। और श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं पूतना के विषय में कि पूतना बालघातिनी राक्षसी रुधिरासना झिंगासया पिहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कहते हैं ये पूतना राक्षसी थी, पूतना लोग बालक नहीं, कहते हैं उसका कुल क्या था, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। अच्छा, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी कोई बात नहीं, काम कुछ अच्छा करती थी? नहीं नहीं, बालघातिनी नवजात शिशुओं का खून पीती थी। अच्छा, खून पीती थी, आहार शुद्ध नहीं है, चलो कोई नहीं, कम से कम भावना तो अच्छी होगी। बोले नहीं, कालकूट विष लेकर कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन तब पर भी कृष्ण ने क्या किया, बोले स्तनम दत्वाप सद्गतिम, क्या धात्री उचित गति उसे प्रदान करी, धात्री जो धाईमा होती है, धाईमा के समान उसे गति प्रदान करी। अभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रश्न, परीक्षित महाराज मानो प्रश्न करते हैं यहाँ पर कि कृष्ण जो पूतना मारने के उद्देश्य से आई थी, उस पूतना को उन्होंने धात्री की गति प्रदान कर दी। अरे जब उनकी मैया यशोदा, श्री रोहिणी मैया और जो सारी ब्रज में मातृस्तनिया गोपियां हैं, उनको क्या गति प्रदान करेंगे या उनकी क्या सद्गति होगी, क्योंकि ब्रज में जो सारी गोपियां हैं वो तो कृष्ण के प्रति कुछ वात्सल्य भाव की भी हैं, कुछ मधुर भाव की भी हैं। तो एक राक्षसी का यदि ऐसा परिणाम हुआ, तब फिर ब्रज की जो गोपियां हैं मातृस्तनिया गोपियां, उनको क्या स्थान प्रदान होगा। तब यहां पर कहते हैं कि धात्री गति प्रदान नहीं करी, धात्री के समान, जैसे कहते हैं ना इनके पास राजा के समान ऐश्वर्य है, तो राजा ही नहीं हो गए, राजा के समान, ऐसे ही पूतना को भी धात्री की गति नहीं, धात्री के समान कृष्ण की नित्य धाम में गोलोक वृंदावन में मैया यशोदा के अंडर में अंबिका और किलंबिका, ये दो दासियां हैं, उनके अंडर में श्री पूतना को गति प्रदान हुई धात्री उचित। इसलिए कहते हैं एक बार बस उसने नाटक ही तो किया था कि इतने छोटे बच्चे को पालने में थोड़ी जो लाते हैं, उसको तो गोद में लेकर लाड़ लड़ाना चाहिए, केवल मात्र 1 मिनट के लिए माँ बनने का नाटक किया था। ऐसे नाटक करने वाली को भी धात्री उचित गति प्रदान हो गई। तो मानो अगर कोई श्रद्धा पूर्वक
कृष्ण के लिए हृदय में कोई भाव लेकर यदि कृष्ण से संबंध बनाए तो उसकी क्या गति होगी। किम पुनः श्रद्धा भक्तिया कृष्णाय परमात्मने, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक, जैसे आप लोग के हृदय में श्रद्धा थी, वही श्रद्धा से ही कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, तो बताओ उनको क्या सदगति प्रदान करेंगे। और ऐसा ही नहीं, पूतना तो अपने स्तन में कालकूट विष लेकर आई थी, लेकिन अगर कोई भगवान की प्रिय वस्तु लेकर आ जाए, भगवान की कोई प्रिय वस्तु, उनके लिए कोई फल, कोई फूल, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान तो कहते हैं भैया अगर मेरी सेवा करनी हो ना मुझे, मैं बहुत ही आसानी से खुशी हो जाता हूँ। बोले क्या क्या? पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता, तुलसी पत्ता मुझे अर्पण कर दो। पुष्पम, अगर तुलसी पत्ता नहीं है तो कोई पुष्प अर्पण कर दो। फलम, कोई फल रस्ते में हो फल दे दो। और तोयम, अगर ये सब भी ना हो तो गंगा पानी ही मुझे दे दो। अगर ये भी वस्तु मुझे प्रदान करोगे तो इस पर में भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारे भाव को ग्रहण करूंगा। इस प्रकार कृष्ण ने बड़ा सुंदर वहां पर पूतना का वध किया। अंतिम में श्री सुखदेव गोस्वामी ये पूतना प्रसंग को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उसके फल श्रुति बताते हैं। यतनत पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्थकम अद्भुतम सुनो यत् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इस पूतना के प्रसंग को श्रवण करे तो क्या होगा? गोविंद लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरण कमलों में उसकी रतिमति चली जाएगी और सर्वत्र वो भगवान के गुणगान करते करते स्थापित हो जाएगा। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। वांछा कल्पत रुवश्य कृपा सिंधु भयगच पतिता नाम पावने भी वैष्णव भी नमो नमः। हां सब ताली बजाते, ताली नहीं बजाते, बोलो बांके बिहारी की जय। देखो ठाकुर जी सर्वप्रथम उन्होंने पूतना को मारी। आप बता सकते हो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? जैसे कृष्ण सबसे पहले ने पूतना को मारी, भगवान राम किसको सबसे पहले मारे थे? कौन कौन बोलेगा आप लोग? तो कोई बोल सकते हो? देखो यही हमारी दुर्भाग्य का विषय है। पूछो किसी बच्चे को कौन हीरो का नाम क्या, हम बता दे। कौन हीरोइन का नाम क्या, बता दे। लेकिन जब भगवान की बारे में कोई पूछो ना, इधर उधर देखने लग जाते। कारण है ये हमारी संस्कार की अभाव है, ये हमारी संस्कार की अभाव। पहले मैंने बताया था ना, हमारे जो बड़े गुरु जी, उनको किसी ने कहा पिताजी बाबा हमारे बच्चा बात नहीं सुनता है। गुरु जी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चे को कभी बोले रामायण पढ़? बोले नहीं। बोले बताओ फिर बच्चे तुमको प्यार कैसे छुएंगे, बच्चा तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? गुरु जी बच्चा कैसे बात सुनेगा? किंतु खुद ही रामायण पढ़ा नहीं, बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाया, लेकिन स्मार्टफोन दिया। बोले हाँ दे दिया, स्मार्टफोन हमने दे दिया। इसलिए कहाँ पर बताया, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुननी चाहिए, पिता माता के आदेश पालन करनी चाहिए। कहाँ पर बताया? ये रामायण में बताया है। भगवान स्वयं अपना पिताजी की आदेश पालन करने के लिए कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। अपना बेटे को बोलो तो बेटा 2-4 दिन के लिए मेरी सेवा के लिए कहीं आदेश पालन करने के लिए चले जाओ। बोलो बेटा जाएगा कि नहीं? वो हनीमून मनाने जा सकता है 14 दिन से, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे ये बात को। यही दुर्भाग्य है हमारे भारत का, क्यों हमारे हिंदू धर्म धीरे 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 नष्ट क्यों होते जा रहे हैं? अब किसी मुसलमान बच्चे को पुराण पूछो, एकदम झटाझट बोलेगा। दिल्ली में तो रोड बंद कर देते हैं, इतने इतने छोटों को टोपी पहना करके ले जाएंगे, बैठा करके बीच रोड में नमाज पढ़वाएंगे बच्चों को। किसी बच्चे को पूछ लो, मैंने बताया था ना कि 10 साल बच्चे को पूछा तेरे पुराण आती, झटाझट बोलना शुरू कर दिया, वो छाती फुला करके। 10 साल का बच्चा, हमारे किसी बच्चे को पूछो घर में रामायण का कोई चौपाई याद है तुम्हारी, गीता का कोई श्लोक याद है? पूछो कौन हीरो का नाम क्या, अभी याद है। कौन प्लेयर का नाम क्या, देखना ये किसकी, इसमें कमी किसकी है? कमी है पिता माता की। किसका कमी है? पिता माता की। क्यों? हम खुद रामायण पढ़ते नहीं, भजन नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते हैं, इसलिए फिर बच्चों को संस्कार क्या देंगे? संस्कार दे ही नहीं सकते। इसलिए अगर चाहते हो हमारी भारत रक्षा हो, हमारी धर्म बढ़े, बच्चे हमें बुढ़ापा उम्र में हमारी सेवा करे, हैं हमें आदर दे, क्या करो? सबसे पहले पिता माता को
करना पड़ेगा। गीता भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, पहला गुरु पिता माता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, सबके सब गीता रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, ठीक है, और भगवान की भजन करो। इसलिए भगवान राम सबसे पहले कितना किसको मारे थे, वो तारका को मारे थे। इसलिए हमारे जो हिंदू धर्म में जो दो भगवान हुए हैं वो यही शिक्षा देते हैं, पुतना मतलब होता है पूत, ना पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, तारका मतलब क्या, बोले तारयती तारका, जीव को जो भगाता है, जो माया की तरफ में जीव को भगाता है, हैं? इसलिए तारा यती तारका। इसलिए दोनों ठाकुर शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हैं सबसे पहले पुतना को मारो और तारका को मारनी चाहिए। देखो पुतना ये भी तीन अक्षर है, तारका ये भी तीन अक्षर है, इसलिए पुतना भी स्त्री और तारका भी स्त्री है। ये पुतना भी अविद्या और तारका भी अविद्या, पाप, दोनों ही पाप है। इसलिए पहले सबसे पहले ये पाप को हमें खत्म करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण, पीछे वालों का आवाज नहीं है, ये सामने बच्चों का आवाज आ रही है। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो हम लोग ये जो भागवत कथा है इसको हम 7 दिन तक श्रवण करेंगे, ठीक है ना। नियम है कथा सुन करके केवल खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से शिक्षाओं को लेकर के हमें जानी चाहिए, ठीक है ना। बोले भैया क्या शिक्षा लेकर के जाए भागवत कथा से, पहले तो शिक्षा लेकर के जाए गुरुजन को सम्मान दो, पिता माता को सम्मान करनी चाहिए, पिता माता की आदेश पालन करनी चाहिए, सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूनी चाहिए, ठीक ना। जो नहीं छूते हो कल मैं पूछूंगा कौन कौन अपना सास ससुर को चरण छुए और पिता माता की कौन चरण छुए सवेरे, ठीक है, ठीक है ना। छुओगे कि नहीं, नहीं यहाँ सुन करके चले जाओगे वही खत्म कर दोगे, ठीक है। सबके सब छूना। और देखो भागवत कथा से हमें, भागवत कथा से भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम को यहाँ से लेकर के जानी चाहिए, ठीक है। और देखो इधर सुनो, कहते ये जम महाराज, कल जो अजामिल की कथा सुना रहे थे, जब जम महाराज जम दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास में मत लाना। तब जमदूत कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता है, हमें पता कैसे चलेगा। तब श्री जम महाराज स्वयं कहते हैं उनकी शरीर में तुमको 3 चिन्ह देखेगा, कितना चिन्ह देखेगा, कितना चिन्ह देखेगा, 3 चिन्ह देखेगा। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कुछ सधवा स्त्री, जैसे आप लोग कुछ सधवा स्त्री बैठे हो, हम पता कैसे चलता है सधवा है, आप सिंदूर लगाए हो, मांग भरे हो, मंगल सूत्र पहनते हो, पता चलता है ये सधवा। उसी तरह जम भी कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी शरीर में भी 3 लक्षण देखोगे, ये जम स्वयं कहते हैं। बोले पहला लक्षण देखोगे ललाटे तिलकम, देखोगे ये तिलक को, जरूर ये तिलक को धारण किए हुए देखोगे, हैं? अभी प्रभु जी बता रहे थे ना जो तिलक है ये गोपी चंदन है, वो कोई मिट्टी नहीं है। ये नारद जी इसको वृंदावन से लेकर द्वारका गए, भगवान कृष्ण वहां स्नान किया तो ठाकुर का सर दर्द और बुखार सही हुआ है। इसलिए जो तिलक है इसकी बड़ी महत्व है। मेरे तरफ में देखो, बात मत कर, इधर देखो, देखो ये जो तिलक लगा है ना, कहते ये है ये ब्रह्मा है, ये बीच में जो खाली है ये भगवान विष्णु है, और इधर देखो ये महेश, ब्रह्मा विष्णु ये महेश है। ये जो 2 लाइन है ये ठाकुर का 2 चरण है, उसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर जी के चरण में हम तुलसी दल देते हैं, देखो उसका जो सेब है ना वो तुलसी दल जैसे है। इसलिए आप भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए हुए देखो, है कि नहीं, भगवान तिलक देख लो, भगवान तिलक देख लो, ठाकुर जी को तिलक लगाए हुए। भगवान राम को देखना तिलक है कि नहीं, ठाकुर जी उनका भी तिलक। नारायण को देखना, भगवान नारायण को देखो आधा मुंह तिलक में भरा देखोगे, पूरा इतने बड़े तिलक
आधा आंख भरा हुआ तिलक देखोगे, हनुमान जी को देखो तिलक देखोगे, गणेश जी को देखो तिलक देखोगे, ये समस्त देवादेवी ठाकुर भी ये तिलक धारण करते हैं, हैं? इसलिए शास्त्र ने बताया जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं उनकी शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री, ये सब के समस्त देवादेवी उनकी शरीर में निवास करते हैं। आपको मैं कुछ श्लोक सुनाता हूँ, ये पुराण का श्लोक है, जो तिलक धारण करते तिलक रूप में कौन बैठे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। देखो बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्यम तस्से बसेत देह जस्य शंका की तनु, जो शरीर में ये तिलक लगाते हैं उसकी शरीर में लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, सावित्री है, राधा रानी, उनके शरीर में नित्य निवास करते हैं। दूसरे श्लोक में बताए बोले गंगा गया कुरु क्षेत्रम प्रयागम पुष्करादि च नित्य तस्ये सदा तिष्ठेत जस्ये पद्मा की तनु, जो शरीर में ये तिलक लगाते हैं उसको शरीर में देखो गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्कर ये समस्त तीर्थ उसके शरीर में निवास करते हैं जो तिलक को धारण करते हैं। जो तिलक धारण करते हैं बोले उसको क्या होता है बोले अंकित शंख चक्राभ्याम उम्मभयो बरहामुले समर्चयेत हरि नित्यम नान्यथा पूजनम भवे। जो व्यक्ति तिलक लगा करके भजन करते, देखना जब ब्राह्मण आकर के पूजा कराता है सबसे पहले तिलक लगाएगा, वो तिलक के बगैर पूजा ही नहीं कराएगा, क्यों? तिलक के बगैर जो पूजा ही निष्फल। ये श्लोक कहते हैं, कहते नित्यम नान्यथा पूजनम भवे, तुम जो पूजा करते हो पूजा कोई फल ही नहीं मिलेगा तिलक के बगैर, लेकिन जो व्यक्ति तिलक लगा करके पूजा करेगा उसका कितना फल है। तो यहाँ पर कहते हैं जो तिलक लगा करके पूजा करेगा उसको 1000 गुण उसको फल मिलेगा, जो तिलक लगा करके भगवान की पूजा करता है, हैं? इतने महत्व ये तिलक लगाने का। इसलिए आप लोग कोशिश करना शर्म नहीं करना, ठीक है ना, शर्म नहीं करनी चाहिए, गंदा काम के लिए शर्म करते हैं। जब ठाकुर को हमारे बांके बिहारी को शर्म नहीं, हनुमान को जो शर्म नहीं, राम को जब शर्म नहीं, नारायण को जब शर्म नहीं, क्या हम भगवान से बड़े हो गए? तो हमें शर्म लगेगा, कोई गंदे काम के लिए शर्म करनी चाहिए, भगवान की भजन के लिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। सबको तिलक लगाओगे बोले तुलसी माला, हम जो गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं, हाँ देखो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो विधि बताए ना उसमें तो सबका सब साइंस ही है, ये मत समझना ये क्या सब साधु सब गले में कंठी तिलक, ये सबके सब साइंस ही है। ये जो गले में हम तुलसी कंठी धारण करते हैं आप लोग इसमें क्या साइंस ही है, इसमें क्या साइंस तो अंदर में। अभी रामदेव बाबा करुण ने निकाला था ना उसको पढ़ करके देखो 80% तुलसी था उसमें, 80% तुलसी उसके अंदर में। इसलिए आप कहीं भी आप किसी मेडिसिन शॉप से संग्रह करना एक दवा, बोलना तुलसी पावर है, उसको साथ में के पेपर मिलेगा आप पढ़ करके देखना, बोले 200 तरह का मेडिसिन ये तुलसी, फिर क्या में रोज रोज जो दोस्त को तुलसी पता खाएगा कभी तुम्हें कैंसर नहीं होगी, कभी हार्ट अटैक तो व्यक्ति का नहीं होगा, इतने महत्व ये तुलसी में। हमारे हिंदू लोग जो पहले बताए ना जो पेड़ पूजा करते हैं, कौन सा पेड़ हम हिंदू लोग पूजा करते हैं, एक तुलसी पेड़ पूजा करते हैं, एक पीपल पेड़ को और एक नीम पेड़ को, आप पढ़ करके देखो जितने सारे वृक्ष है दिन में ये ऑक्सीजन देते हैं, दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन रात में यही केवल पेड़ रात में भी ये ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृत में तुलसी वृक्षों को कहाँ लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं ना, क्यों कि रात को ऑक्सीजन देती है, इसका वातावरण जितना दूर तक जाएगा बड़ी बड़ी बीमारी वहां फटकते नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी वहां नहीं आती है जहां पर ये तुलसी वृक्ष है। इसलिए समझो पहले पहले जो माताएं जो काम करती थी, माताएं बड़े बड़े साइंटिस्ट ही, आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्योंकि पूर्वजों ने ऋषि मुनियों ने जो जो विधि विधान, जैसे गैया सेवा करना, पहले हर घर में गौ सेवा होती थी ना, गौ सेवा होती थी नहीं, जो व्यक्ति गौमित्र पान कर रहे थे उनको ये करुणा नहीं आ रहा था, कोई भी बीमारी आप पढ़ करके देखो ऐसे कोई बीमारी नहीं जो गौमूत्र से सही नहीं होता,
पहले घर घर में गैया सेवा करते थे, अपने आप गोमूत्र गोबर अपने आप मिलता था। अब आप अगर इंटरनेट चेकिंग कर देखोगे ना, विदेश में अमेरिका में जो कंडा है ना वो बिकता है और बहुत कीमती। आप पढ़कर कहते ना बड़ी कीमती, जो गैया की जो गोबर से जो कंडा बनती है, अगर यज्ञ करो उसमें घी डाल करके ना उससे ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए पहले पहले ऋषि मुनि लोग जो काम करते थे वो सबके सब साइंटिफिकल रीजन है। इसलिए गले में तुलसी कंठी पहन करके जब आप स्नान करोगे इसका पानी क्या होगा, सारा शरीर में इसकी पानी जाएगी, बहुत सारी बीमारी अपने आप सही हो जाएगी, हैं अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए पुराण में एक श्लोक बताए, बोले जिस व्यक्ति गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करता है पृथ्वी का सारे तीर्थ में उसकी स्नान करने का फल मिलता है, इतने महत्व तो ये तुलसी। इसलिए कहते जो तुलसी है वो 10 तरह से कल्याण करता है। देखो ये श्लोक है, बोले दृष्टवा स्पिरिस्वा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता। दृष्टवा मतलब किसने तुलसी दिखे को दर्शन कर लिया। हम हिंदू घर में घर के बाहर तुलसी लगाते हैं ना, जैसे कहीं जा रहे हो तुलसी वृक्षों का अगर तुम दर्शन करके चला गया तो तुम्हारी काम जरूर बनेगा, जरूर बनेगा तुम्हारी काम। कोई अगर भूत पिशाच कोई अगर आए घर को सामने तुलसी वृक्ष है वो अंदर में घुस नहीं पाएगा। क्यों? तुलसी में स्वयं, आप लोग तो हिंदू है देखना, सालग्राम को साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे हो आप लोगों ने। क्यों? ये तुलसी कौन लक्ष्मी, ये तुलसी कौन लक्ष्मी है, हैं? इसलिए तुलसी लक्ष्मी है। दूसरी ये तुलसी में ठाकुर का निवास है। हम बोलते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी। मतलब क्या? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन जहाँ तुलसी का वन, बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन बिचो। जिसकी घर में तुलसी वृक्ष है ना उसकी घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए तुलसी की बड़ी महत्व है। इसलिए अभी हम इसको कंठ में क्यों धारण करते हैं तुलसी को, कारण क्या है? बोले कारण है जैसे हम जो कुछ खाए ना वो टच करते हुए अंदर में जाएगा, जो कुछ बोली बोलेंगे पवित्र बन करके जाएगा। जैसे ठाकुर को भोग लगाती होगी, लगाती ही नहीं ठाकुर जी को, देखा ना 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक ना ही मानी। ठाकुर को जितना भोग लगा दो अगर उसमें तुलसी पता नहीं दिया ना ठाकुर कुछ भी स्वीकार नहीं करते। ये भी सब साइंटिफिकल रीजनिंग है। अगर उसमें तुलसी पता खाने में डाल दिया ना जितने गंदी बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएगी सब, क्योंकि उसमें सारी मेडिसिन है। ये भी सब साइंटिफिकल रीजनिंग है। इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठियों को धारण करनी चाहिए। इसलिए जब महाराज कहते हैं एक उदाहरण देकर समझाए, बोले कैसे पहचान होगा कौन भक्ति करता नहीं करता, उन्होंने उदाहरण दिया है। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, बोलते एक पालतू एक फालतू। बोले जो पालतू कुत्ते यहाँ पर तो सब रास्ता में घूमते हैं, पालन करने का जरूरत नहीं, लेकिन इस शहर में देखना जो पालतू कुत्ते हैं ना गले में उसकी पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो फालतू है। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को ही छोड़ता नहीं। अगर गांव में ज्यादा कुत्ता हो गए ना शहर में, सरकार को निर्देश देते हैं ये कुत्ते को पकड़ करके ले आओ मार दो। अगर किसको पकड़ कर ले जाएंगे, जो फालतू कुत्तों को, पालतू कुत्ता को नहीं ले जाएंगे। इसलिए जब स्वयं कहते हैं जिनकी गले में ये तुलसी कंठी होगा ना, हम किसकी पालतू है, हम श्री बांके बिहारी की पालतू है, हमारे ऊपर जब कोई नजर नहीं डालेगा। लेकिन कुछ कुछ लोगों का कहना है अरे भक्ति करना दुनिया को थोड़ी दिखानी है, अंदर में भक्ति रखो ना, इसको कंठी तिलक धारण करने का क्या जरूरत। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले नहीं जरूरत है, जैसे आप कुछ श्रद्धा माताएं हो क्यों ये सब मांग भरी हो, सिंदूर क्यों लगाए हो, सुहाग के लिए, पति कब से हुए, शादी से पहले कोई मतलब था तुम्हारे, कब तक रहेंगे जब तक शरीर है। बोले 2 दिन की पति के लिए जब इतने मांग भर लेते हैं, इतने सिंदूर लगा देती है और इतने हैं इतने मंगल सूत्र पहनते हैं 2 दिन की पति के लिए, जो चिरकाल के ना हमारे असली पति, तो उसके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे पति जीवित है, मानो स्त्री समस्त जो सधवा का श्रृंगार को उतार दे, एकदम सफेद साड़ी पहन करके एकदम विधवा बन करके पति को सामने चली जाए, बताओ तो पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं, बोला स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलेगा मैं जिंदा रहते रहती का मेरे को मार डाल, अभी मैं जिंदा हूं,
हाँ, अभी मैं जिंदा हूं, जब ये जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा वो परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर तुम्हारी गल में कंठी तिलक है, भगवान का नाम है, अगर ठाकुर को सामने जाओगे ना, ठाकुर तुम्हें स्वीकार करेगा, ये मेरी है। अगर गला में कंठी तिलक नहीं, जितने बोल दो मैं तुम्हारा तुम मेरे हो, ठाकुर बोलेगा तुम मेरे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे क्या लक्षण है तुम्हारे अंदर में। जगत का पति के लिए भी इतने सिंदूर मांग तुमने भर लिए, लेकिन मेरे लिए तुमने क्या धारण करके रखे हो। इसलिए क्या करना, जरूर तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं, जैसे हम विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते तो हमारे पास में क्या क्या होनी चाहिए विदेश जा सकते हो, बोलो तो क्या क्या चीज होनी चाहिए, बोलो जोर से। पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद में वीजा होनी चाहिए, उसके बाद में टिकट। अगर ये तीन चीज होना फिर आप विदेश जा सकते हो। भैया एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ये तीन चीज की जरूरत है। अगर तुम ठाकुर को पास में जाने के लिए चाहते कोई चीज की जरूरत नहीं, नहीं भैया हमारे पास में भी ये तीन चीज होनी चाहिए। कहते ये पासपोर्ट क्या है, बोले गले में तुलसी की कंठी, ये पासपोर्ट हमारी है भगवान का धाम में जाने के लिए। कहते उसमें, कहते वीजा क्या है, बोले ये तिलक है, और उसमें कहते उसमें टिकट क्या है, बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम। इसलिए हमारे भारत में देखो, कल वो लड़की चार गोहों की कथा सुना रही थी ना, किसको किसको याद है, बोल सकते हो कोई, कौन बोल सकता है, खड़े होकर कोई बोल सकता है यहाँ पे, कौन बोल, तुम बोल सकते हो जो चार गोहों की जो उन्होंने कथा सुनाई थी, अब बोल सकते हो, आ जाओ, कौन बोल सकता, अब आ जाओ, अरे एक दूसरे को बोल रहे, आओ ना जो बोल सकते हैं, बड़े भैया अब आओ, अब आ जाओ इधर, अरे चुपके बैठ, चुपके बैठ गए। और लड़कियों में कहीं बोल सकते हो, नुपुर दीदी सुना बोल सकती हो, हाँ आ जाओ, उनको माइक दे दो तो। हाँ अब देखो ये जो चार गोहों की कथा है ना, ये इतने महत्वपूर्ण है, मैंने इसी कथा से इतने लोगों को परिवर्तन किया जो सोच नहीं सकते, इतने लोगों को मैंने परिवर्तन किया, क्यों, इसमें असली जीवन क्या है ना, इसमें पता चल जाता है ये असली जीवन है क्या जी। ठीक से बोलो, बोलो बेटा, मैं यहाँ पर उपस्थित अपने श्री गुरुदेव ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ। अपने नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण कुसुम महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों माता पिता भाई बहनों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव का आदेश हुआ है कि जो कल कथा सुनाई उसको मैं सुनाऊं। श्री गुरुदेव सुनाते हैं कि एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। उसकी जो पहली रानी थी वो पहली रानी को बहुत प्रेम करता था, जो भी उसको चाहिए होता था वो उसको सब कुछ लाकर देता था, सब चीजें वस्तुएं लाके उसको प्रदान करता था। राजा की जो दूसरे नंबर की रानी थी वो बहुत सुंदर थी, जिसको वो जगह जगह अपने साथ लेकर जाता था और सब जगह घुमाता था और सबको दिखाता था कि मेरी रानी कितनी सुंदर है। राजा की जो तीसरी रानी थी वो भी बहुत सुंदर थी, और साथ में उसकी जो वाणी थी वो बड़ी मधुर थी, बहुत मीठी थी, वो बहुत ही मीठी मीठी बोलती थी। और राजा की जो तीन रानियां थी इनको तो प्रेम करता था, लेकिन जो चौथे नंबर की जो रानी थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन जो राजा था ना उसको प्रेम नहीं करता था। जब से उसको लेके आया था उसको एक कोने में डाल के रखा था, उसको ना ये पूछता था कि तेरी कोई जरूरतें हैं, कोई आवश्यकता है, तुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, उसको कुछ नहीं पूछता था। तो ऐसे करते करते एक बार जब राजा का अंतिम समय आया
तो उस समय राजा को लगा कि अब तो इस दुनिया से जाने का समय हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि मैंने अपनी रानियों को सारी उम्र इतना प्रेम किया, सबको इतना प्रेम किया, अभी मेरे अंत समय में मेरे साथ कौन जाएगा। तो जो राजा था, जो पहले वाली रानी थी, तो उनके पास गए, तो उनसे पूछा, रानी मैंने तुझे सारी उम्र बहुत प्यार किया, जो तू कहती थी मैं सब कुछ तेरे को लाके दिया, हर चीज तेरी हर आवश्यकताओं को मैंने पूरा किया, क्या तू मेरे साथ चलेगी। रानी बोलती है कि मैं नहीं चल सकती आपके साथ, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। तो राजा बड़ा निराश हुआ, तो फिर वो दूसरी रानी के पास गया। दूसरे नंबर की रानी कौन थी, जो बहुत सुंदर थी और जिसको अपने साथ ले जाता सब जगह भ्रमण कराने के लिए और सबको दिखाता था। तो पूछा, रानी क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो रानी बोलती है, मैं साथ चलूंगी, मैं सोच रही कब तुम मरोगे, मैं कब दूसरे से शादी करूंगी। तो राजा का और मन खराब हुआ। तब वो फिर तीसरे नंबर की जो रानी थी, कौन सी थी तीसरे नंबर की रानी, जो सुंदर थी और पानी भी उसकी बहुत मधुर थी। हाँ, जिस जो सुंदर भी थी और साथ में बहुत मीठी मीठी उसकी वाणी थी, बोली थी, बड़ी प्यारी प्यारी वो बोलती थी। उसके पास गया राजा के, क्या तुम मेरे साथ चलोगी रानी। तो कह रही हाँ, थोड़ा सा उसको आई शर्म, तो बोली हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, ज्यादा करोगे दो चार कदम और आगे चले जाऊंगी। तो राजा फिर परेशान हुआ कि अरे मैंने जिनके लिए सारा जीवन गंवा दिया और इनको इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये तो मेरे साथ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरा साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तब वो जो चौथे नंबर की रानी थी, कौन सी, जिसको कभी पूछा ही नहीं कि तेरे पास कोई चीज है या नहीं है, है? उसको जब से लाया है शादी करके एक साइड में उसको एक कोने में उसको डाला हुआ है, ना पूछा तेरे पास साड़ी है, साबुन है, श्रृंगार का कोई सामान है, कुछ नहीं पूछा। तो राजा को बड़ी शर्म लग रही थी, बड़ा हिचकिचा रहा था वो जाते हुए उसके पास, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा कि रानी मेरा अंतिम समय आया है और क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो रानी बोलती है, आपको शर्म नहीं आती, हाँ सारी उम्र तो हो गया, मेरे को पूछा नहीं मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे कभी प्रेम नहीं किया और अब बोलते हो कि मेरे साथ चलोगी। तो फिर भी वो कहती, चलो राजा मैंने तुमको अपने हृदय से प्रेम किया है, मैंने तुमको सच्चा प्रेम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ऐसे करते हुए राजा को बड़ा वो लगा। तो ऐसे ही करके ये जो चार रानियां है ना, ये हमारे ही, इसका कनेक्शन हमारे जीवन से है, मनुष्य जीवन से है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति, वो जो राजा है, वो हम ही हैं। तो उसमें जो पहले नंबर की रानी है जिसको हम बड़ा प्रेम करते हैं, वो क्या है, कल सुना था ना, कोई बताएगा, हाँ ये शरीर। तो हम, ये जो हमारा शरीर है ना, इसको हम सजाते हैं, कुछ भी अच्छा अच्छा क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छे अच्छे इसको वस्त्र पहनाते हैं, इसका कुछ अच्छा मन करता है खाने के लिए, इसको सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन अंत जब समय जब आता है हमारा, तो क्या ये हमारे साथ जाता है, एक कदम भी ये हमारे साथ नहीं जाता है। कि जैसे हमारे शरीर से हंस उड़ चले जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे करके हमारा शरीर हमारे साथ नहीं जाता, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये हमारे साथ एक कदम भी नहीं चलेगा। जो राजा, जो दूसरी रानी थी वो कौन थी, हाँ, तो उसने बोला था ना कि तुम क्या नाम कब मरोगे, मैं और दूसरे से शादी करूंगी। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी जो धन संपत्ति है, जो पैसा है, वो कहाँ चला जाता है, वो झट से दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो रानी थी वो कौन थी, परिवार वाले, गुड, वेरी गुड। तो उसमें हमारे परिवार वाले हैं, पत्नी होती है, वो कहाँ तक जाती है, खाली दरवाजे तक जाती है, हमारी तरफ तो दरवाजे तक भी नहीं जाती, वो तो वहीं बैठी रहती है। हाँ, ज्यादा करते हैं हमारे जो परिवार वाले होते हैं वो शमशान तक चले जाते हैं और सब जला जुलू के संस्कार करके अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो चौथे नंबर की रानी थी वो क्या थी, भक्ति, भगवान की भक्ति, ठीक है, जिसको हमने सब सब नेग्लेक्ट करके रखे हुए हैं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है,
है, जब से ये मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, कोई कोई भाग्यशाली जीव होगा जो भगवान की भक्ति करते होंगे सही सही तरीके से, लेकिन बस पूरा जीवन किसके लिए दिया हुआ है? खाने पीने सोने में और बच्चा पैदा करने में ही, ठीक है। तो ये जो चौथे नंबर की जो रानी है वो है भक्ति देवी। ये भगवान की नाम है, भक्ति मतलब कलयुग में भक्ति क्या है? कलयुग में भक्ति भगवान की नाम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। इसलिए हम तो हिंदू है, देख लेना, भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम जब जब अंतिम समय आता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। यही सुनाते ना, किसको सुनाते हैं? और जो ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति होता है उसको ही सुना रहे हैं। बोले बेटा, जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ जीवन में इकट्ठे किए, जो कुछ जीवन में किए हैं, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जाएगी। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बास्तु मेरे सदा गुरु, बास्तु कृपा करे अपना पायो जी राम रतन पायो, पायो जी राम रतन पायो। ये भजन को अब सब जानते हो। मीरा कहती है, जीवन में मिला तो क्या मिला जीवन में तुम्हें? बोले पायो जी मैंने, बोले मेरे को मिला है, क्या मिला है? बोले राम रतन धन पायो, जितने प्रभु राम का नाम की, कृष्ण का नाम की, हमें वही मिला, नहीं तो जगह में सब ही खोवायो। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बरत सबा। ये धन चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, कोई लूट करके नहीं ले सकता है, फूट नहीं जाएगा, ये धन केवल बढ़ेगी, ये धन कभी घटेगी नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने कल बताया था ना, महाप्रभु बोलते हैं जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करूंगा। जब भगवान को बोले हमारे घर में भोजन करो, भगवान क्या बोले? बोले सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति। बोले प्रभु लखपति तो कभी बन ही नहीं सकते जिंदगी में। लखपति मतलब उसी समय 1,00,000 स्वर्ण मोहर। बोले हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? अरे भगवान क्या बोले? बोले असली लखपति कौन है? जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम को जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। असली जो धन प्रभु का नाम धन है, और यही धन ही हमारी अंतिम समय में काम आएगा, ठीक है। अभी राधा रानी जन्म लेगी, राधा रानी की मैया कौन है? तुम बनकर के आए हो। हाँ, ऊपर में कोई अगर अच्छे कोई हो, चुंदरी हो, उसको भी ओढ़ लेना, ठीक है। और जब वो कहाँ गया? वो गया बनने के लिए गया हो। और किसको, कौन सा लड़की को तुमने राधा रानी बनाई? राधा रानी कौन है? अरे बोलो किसको राधा रानी किसको बनाई? राधा रानी कौन बनी? कोई बच्ची को बनाई कि नहीं? किसको बनाए हो राधा रानी? तो फिर क्या कर रहे हो बैठी बैठी करें? उधर उधर घुमा तो सब हरिनाम करेंगे। हाँ देखो, देख लो, देखो ये माला को कैसे जप करके देख लो, जैसे ये माला अच्छे तरह से देख लो, जैसे ये माला को, ये अंगुल को हम इसमें नहीं लगाते क्योंकि ये गंदा अंगुल है, ये सबसे पहले निकलता है, इसलिए ये बीच वाले अंगुल को ऊपर इसको रखना, रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल कर इसमें एक मोती सरकेगा, ठीक है। हरे मतलब क्या है? हमारे जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले,
इसलिए वो हरि से ही हरे। अगर हरि का नाम लोगे तो क्या होगा, जीवन का समस्त दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इधर ध्यान से सुनो माता है, बात मत करो। कृष्ण मतलब क्या है, मन में कभी कभी अशांति रहती है, मन में चैन नहीं, मन बेचैन सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं। लेकिन जो कृष्ण नाम करते हैं उसका मन कभी बेचैन नहीं होती, कितना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया। और राम मतलब क्या, जीवन में जो हमें आराम मिलेगा, जीवन में आराम मिले। अगर ये हरि नाम करोगे ना, तीन चीज मिलेगी, दुख दूर जाएगी, बेचैन से मन को चैन मिलेगी और जीवन में आराम मिलेगा। अगर ये नाम को ठीक ठीक से करोगे तो ये समझो अभी हम कहां पर हो, वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण में बैठे हैं। आंख बंद कर लो और मन मन में भगवान की भजन करो, जोर जोर से बोलना, क्योंकि जो बोलेगा उसको पाप तो उड़ जाएगा लेकिन पाप बैठेगा कि जहां कहां पर, जो बोलेगा नहीं। इसलिए सबके सब हमारे साथ में बोला करो, मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक मुद्द सर गेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मला पूरी हो गई ना पूरी हो गई नहीं हरे 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 राम राम पूरी हो गई हरे कृष्णा 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 हरे हरे अब पूरी हो गई ना। हाँ किधर सुना, अगर किसको इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, अगर कल सवेरे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक आओगे तो हम एक एक माला दे दूंगा जप करना। और ध्यान से सुनो, अगर जिसको इच्छा हम गले में तुलसी घंटी पहनना चाहते हैं, हम ठाकुर जी की पालतू बनना चाहते हैं, फालतू नहीं बनना चाहते हैं। देखो गले में तुलसी घंटी तभी पहन सकते हैं जब हम ये प्याज लहसुन को छोड़ें। प्याज लहसुन खाते हुए ये गले में घंटी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि जो प्याज है कल हम अच्छे तरह से सुनाऊंगा, ये गैया का मांस से ये प्याज का सृष्टि है। इसलिए जैसे नवरात्रि में ये 9 दिन तक हम कोई खाते नहीं, ठाकुर को सेवा में इसलिए नहीं लगता है। कल आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। हाँ, जिनकी इच्छा हो या माला जब करना चाहते हैं कल सवेरे आकर के माला लेकर के जाना, ठीक है। बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री वृषभानु महाराज की। हाँ देखो कहते श्री राधा रानी अभी आ रही हैं। हाँ और एक बात भैया, कल क्या उत्सव, कल क्या प्रसाद है? हाँ अनाउंस करो, करो बोलो फटाफट बोलो। कल भंडारा होगा। अब परसों भी कुछ कर रहे हो ना क्या? परसों भी भंडारा होगा। हम ये बोल रहे थे अगर आपकी सुझाव हो, जैसे कुछ जैसे कल है ना माताएं कुछ कुछ